अंदर जाके क्या करना था? माथा टेकना है। I'm not leaving Ali alone because I love him truly and madly. ये सब तुम्हारा किया करा है, you have to sort it. वरना वो जो evidence पड़ा है ना, वो मैं अपने हाथों से पुलिस के पास लेके जाऊंगी। मैंने आपसे कहा था ना, अली अकेला नहीं जाएगा, मैं उसके साथ जाऊंगी। I want my passport. अभी कोई रिश्ता नहीं है उस लड़की से अली का, लेकिन वो हम सबको भूल चुका है। तू जैसे मुश्किल को तो मार देना भी जवाब है। मार दे यार, मार दे। जिस खुदा को इतना मानते उससे कुछ सीख भी लो यार। मुश्किलों को भी रिस्क देता है। मैम यही गली है क्या? जी क्या पता, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, आपको पता होना चाहिए। जी एक मिनट, एड्रेस दिखाएंगे मुझे आप? जी ये ले। हम पहुँच गए हैं तकरीबन। थैंक यू। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपका बेटा हूँ ना, आप ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे बाबा। देखो बाबा, रेडी 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 डैडी रेडी रेडी डैडी 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 उठे, डैडी डैडी उठे ना, डैडी 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 प्लीज, डैडी डैडी उठे ना प्लीज, डैडी डैडी उठे ना प्लीज, उठे ना प्लीज डैडी, डैडी हमें छोड़ के चले गए आप। डैडी कौन हो बेटी तुम? मैं इनकी वो भूल जो इन्होंने बरसों पहले की थी। इसका मतलब तुम? जी मैं तो इनको जिंदा देखने आई थी पहली बार, मगर तुम इनकी बेटी थी अनफॉर्चुनेटली। तुम क्या ले रहे आई हो यार? तू किसी और की भूल होगी, गंदी नाली का कीड़ा है तू, निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। चीफ, मुझे टिकट कंफर्म करवाना है, मुझे मॉरिशस जाना है। आप प्लीज। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम ओके? आप खैरियत से आई हैं? आई मीन आई एम सॉरी, आप खैरियत से नहीं आई इसीलिए आप रो रही हैं। आप क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? अर्लीस्ट पॉसिबल फ्लाइट फॉर मॉरिशस, एज सून एज पॉसिबल प्लीज। मॉरिशस एज सून एज पॉसिबल। एक मिनट सर, पानी पास करवाना। जी सर। सेकेंडली चेक करो कि मॉरिशस के लिए फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट कब की, एक सीट चाहिए। आप प्लीज पानी लीजिए। थैंक यू। टिश्यूज। आप कुछ बेहतर फील कर रहे हैं आप? थैंक यू।
आई डोंट नो मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप रो इतना रही थी कि I'm sorry, मैं आपके सामने इस हालत में आ गई, but... नहीं नहीं, इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं है. एक्चुअली ये शहर ही ऐसा है, यहाँ पे रोने की एक से ज्यादा वजूहत है लोगों के पास, इसलिए पता नहीं चलता कि कौन किस वजह से रो रहा है. प्लीज आप मेरा टिकट जल्दी से कंफर्म कर दें. हाँ, इन्होंने कह दिया, वो भी चेक करके बताती हूँ. Excuse me. Yeah, mom. Yeah, I'm fine. I'm okay. Listen. I'm at travel agency. Can I call you back? Okay, mom. Bye. अगर आप अपनी मॉम से प्राइवेसी में बात करना चाहते हैं तो आप हमारा कॉन्फ्रेंस रूम यूज कर रहे हैं. नो, हो गई बात. बस आप कुछ भी करके मुझे यहाँ से भिजवा. मैं सीट का चेक करता हूँ. कुछ अपडेट हुआ? सर, मॉरिशियस की 2 फ्लाइट्स हैं और दोनों ही पैक हैं. कब की हैं अर्लीस्ट पॉसिबल? 8 दिन बाद, वो भी बाय चांस. एयरपोर्ट पे अकरम साहब को फोन किया? सर, कर चुकी हूँ, सारी फ्लाइट्स ओवर बुक हैं. रियली सॉरी, इस वक्त जो फ्लाइट का स्टेटस आ रहा है उसके मुताबिक तो 8 दिन बाद सीट अवेलेबल है, वो भी चांस है. 8 दिन बाद? तब तक मैं क्या करूंगी? आप यहाँ कहीं होटल में ठहरी हुई है या फैमिली के साथ है? Nowhere. I just landed today. आप आज आई हैं और आज ही वापस जाना चाहती हैं? जी, फौरन. अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि रिजर्वेशंस के हालात आपके सामने हैं. कोई होटल सजेस्ट करते हैं फिर. एक्चुअली आप इस वक्त जिस तरह मेरे सामने आई हैं, इस लिहाज से मैं आपको कोई भी होटल रेकमेंड नहीं कर सकता. मैं नहीं जानता आप किस ट्रेजेडी से गुजर कर आई हैं. गोइंग टू अ होटल वुड बी एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू अनदर वन. तो मुझे कहीं तो रुकना होगा अंटिल आई गेट द टिकट. हाँ, मिल गया. क्या? मैं एक फैमिली को जानता हूँ. एक माँ है, एक बेटा, एक बेटी है. बहुत अच्छे लोग हैं. आप उनके यहाँ पेइंग गेस्ट बन जाए. पेइंग गेस्ट? ये होटल से ज्यादा सेफ है क्या? क्या मतलब होटल? वो एक घर है. आपको लगेगा ही नहीं कि आप परदेश में किसी पराए घर में रह रही हैं. वो पैसे कितने लेंगे? उसकी फिक्र मत करें. ठीक है, लेकिन अगर घर या लोग मुझे अच्छे ना लगे तो आई कैन फाइंड अ प्लेस मायसेल्फ. जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आई नो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लोग पसंद आए. मगर मैं जाऊं कहां? आई डोंट हैव एनी एड्रेस. मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा वहां. ओके, आई हैव अ कैब. हां, तो फिर आप मेरा पीछा कर लीजिए. वैसे तो ये मर्दों की आदत होती है, लेकिन Let's try for a change. Okay. टिकट के जैसे कुछ हो मुझे बताना. जी सर. हमारी एक क्लाइंट है, मॉरिशस से आई है पाकिस्तान पहली बार. मैं उन्हें घर तो लेके आ रहा हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये मेरा घर है. अरे नहीं नहीं, यहीं की है लेकिन रहती वहाँ है, और मैंने उन्हें कह दिया है कि वो यहाँ एज अ पेइंग गेस्ट रह सकती है. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. 5,000 से 1 रुपया और नहीं मिलेगा और हम घर के बहुत करीब हैं, बस पहुँचने वाले हैं. ओके. बिल्कुल भी परेशान ना हो. अस्सलाम वालेकुम जी. जी फरमाए. मैं अली, आपसे बात हुई थी असद ट्रैवल से कुछ देर पहले फोन पे. हाँ हाँ, अली साहब, आए आए, प्लीज आइए प्लीज. आइए आइए. आप देखिए कितना खूबसूरत घर है, यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पे लॉन है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही घर में रह रहे हैं. और लोगों की तारीफ मैं क्या करूँ, तो आप खुद देख के जज करेंगे. ये निदा है, और निदा ये है, पायल इनका नाम है. पायल, पायल, व्हाट अ वंडरफुल नेम, बहुत प्यारा नाम है आपका. आइए आइए प्लीज, आप जरा यहीं रुकें, मैं पूछ के आती हूँ. नहीं, आपकी अम्मी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पहले भी कई बार आया हूँ, सारी बुक्स का पता है कौन कौन सी है. अच्छा, आई मैं आपको घर दिखा देती हूँ. हाँ, आप लोग घर देखिए, मैंने तो देखा था कई बार. अच्छा हाँ, वो आपकी कुछ अमाउंट रहती थी जी. याद है आपके कुछ गेस्ट रहने आए थे, उन्होंने देखे नहीं गए. हाँ हाँ, कितने पैसे थे? अरे ज्यादा नहीं थे, यही कोई 20,000 रुपए. 20,000? मिल जाएंगे आपको, मिल जाएंगे. अभी जितने हमें मैं दे दूंगा, बाकी फिर मिल ही जाएंगे आपको. अरे कोई बात ही, मैं तो बस याद दिला रही थी. थैंक यू. दे दीजिएगा. आए, मैं दिखाती हूँ, आप यही यही वेट. अम्मी
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ बेटा आओ बैठो। गुड मॉर्निंग अम्मी। ये है पायल, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती है ये दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरिना। हाथ ही पता चल गया होगा तुम्हें बेटा कि मेरी निदा को भूलने की बीमारी है। जी, वैसे भी घर में शोर ना हो तो कब्रिस्तान लगता है, इसलिए तो मैं बोलती रहती हूँ। अच्छा भाई, बातें बाद में करना, बेटी को इसका कमरा तो दिखा दो। ओहो अम्मी, दिखा दिया है। इसे एक बात कहो, लोग लड़की देखने आते हैं और मैं इसे अम्मी को मिलाने आ रही हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आती, हमारा घर ही अजीब है थोड़ा सा। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। शर्मिंदा करवा दिया ना मुझे, छत पे नहीं सो सकते थे। मैं गया था छत पर, मच्छर बहुत थे। हाँ, और यहाँ पे पायल पकड़ लिया ना। तो ये आपका घर है? हाँ, ये मेरे भाई है और ये इन्हीं का घर है। ओह गॉश, आपने बताया कि नहीं मुझे? उस वक्त आपकी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको यहाँ आने का कहता तो आप कभी ना मानती, और मैं चाहता था कि आप फौरन किसी सेफ एंड सिक्योर जगह पे पहुंच जाएं। वैसे भाई कम से कम 24 घंटे तो झूठ बोल लेते। झूठ शायद नहीं था ये। अच्छा, बहाना जिसका भरना पड़ेगा आपको जुर्माना। वैसे निदा, तुमने भी क्या एक्टिंग की है, मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा कि जैसे वाकई ये गेस्ट लाते हैं यहाँ पे। वैसे पायल एक बात बताऊं, अगर मैं भाई की जगह होती ना तो तुम मुझे कभी भी ना पकड़ती। भाई ना कभी आप अच्छे चोर बन सकते हैं और ना ही कभी अच्छे जासूस, क्योंकि आपको छुपना ही नहीं आता। पायल, I'm sorry, हमारा बहाना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो तब लगता जब आपके घर वाले अच्छे ना होते। देख लिया, यहाँ भी मैंने आपको बचा लिया। मैंने इसकी फीस तो मैं अलग से लूंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, नाश्ते का इंतजाम करो यार। छत पे करेंगे यहाँ। निता, पकड़े गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वैसे आंटी, आपने भी पूरा पूरा इस प्लान में साथ दिया मिस्टर अली का। चल भाई, इसका मतलब है तेरा काम तो हो गया। हाँ यार, ऐसे लगता है जैसे अचानक हर चीज का मतलब ही बदल गया हो। पता नहीं यार, ये मोहब्बत वगैरह हमें तो कभी हुई नहीं, अब तुझे हो रही तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे यार, बड़ा ही बदकिस्मत है तू पर। बदकिस्मत ठीक हूँ भाई, वरना तेरी तरह ऑफिस में सो रहा था घर के बजाय। यार तो अम्मी को जानता तो है, वो कह रही है कि जब तक रिश्ता नहीं हो जाता तब तक मैं कम से कम घर में नहीं सो सकता। बात तो ठीक है उनकी, लॉजिक है। पता नहीं यार क्या ठीक है क्या गलत, मुझे कुछ नहीं पता। अगर उन्हें कुछ लग रहा है तो उन्हें कुछ नजर भी आ रहा होगा, लेकिन मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। हर चीज से बेनियाज हो गया हूं सिवाय पायल के।
बस यही यही गुड। दो लड़के मेरे से सब कुछ छीन के चले। तुम प्लीज बैठो। क्या हुआ? दो लड़के थे, गन पॉइंट पे मेरा बैग सब कुछ ले गए। तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें बताया भी था कि शहर खतरनाक है, लेकिन तुम शुक्र करो कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सब गया? सब। प्लीज पुलिस को रिपोर्ट करें। अरे नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करवाने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलता यहाँ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? क्या कुछ था पर्स में? पासपोर्ट, टिकट, आईडीज, क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग। तुम ये सब कुछ अपने साथ लेकर फिर रही थी? क्यों? तुम्हें अंदाजा है तुमने किया क्या है? इस वक्त तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तुम I know. जब तक तुम्हारे नए पेपर्स नहीं बनेंगे तुम ट्रेवल नहीं कर सकती। अच्छा प्लीज 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 तुम प्लीज रो मत। मैं कुछ करता हूँ कुछ। पासपोर्ट था तो FIR। FIR कहाँ? मेरा एक दोस्त है अरसलान, DSP है, उसके पास चलते हैं। चलो। ओके। अली साहब और मैडम को ले जाओ अपने साथ। इस स्नैचिंग का केस है, इनसे पूरी डिटेल लो और पूरे सिटी को वायरलेस कर दो और हर आधे घंटे बाद मुझे रिपोर्ट दो। बेहतर सर। आप लोग जाइए। थैंक यू बेग साहब। यू वेलकम। थैंक यू। हेलो कौन? मे आई स्पीक टू पायल प्लीज? मैं पायल की मामा राधा। जी आंटी जरूर, एक सेकंड होल्ड करें। पायल, आई होप शी इज ओके। मामा पायल, आई टोल्ड यू ना उस मुल्क में मत जाना, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मामा मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। तो क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? पुलिस में कंप्लेंट की है मामा, अभी कुछ नहीं पता चल रहा, मुझे प्लीज यहाँ से ले जाए। क्या? मैं तो आ भी नहीं सकती ना, वीजा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करूँ मैं, बोलो। मैंने तुम्हें समझा के भेजा था ना, why were you carrying everything together, हाँ? I don't know, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पारो आंटी से बात करो। पारो तुम बात करो। हेलो पायल। हाँ बच्चे सब ठीक है ना? एम्बेसी तुम्हारी हेल्प तो कर रही है ना? आर दे कोऑपरेटिव? ओके। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आंटी मेरे पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ उस बैग में था। आई हैव नथिंग। अब मैं वो मिस्टर अली के घर में हूँ जो मेरे साथ गए थे। तुम एक काम करो, मामा को अब अली का अकाउंट नंबर सेंड करो, हम लोग कुछ करते हैं यहाँ पे। जी जी आंटी। तुम्हारी मम्मा बहुत परेशान है बच्चा, तुम कुछ ऐसा मत करना, आराम से पहले शांत हो जाओ। ओके बाय। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। सेम है। वैसे मैं उन चोरों का क्या करूंगी, मुझे तो मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए था। जब वो लोग मिल गए हैं, उन्होंने कन्फेस कर लिया, तो चीजें भी मिली जाएंगी। थैंक गॉड, कोई तो होप नजर आएगी, वरना मुझे लग रहा था मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगी। समझ नहीं आ रहा आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। सच पूछो तो मैं दिल से चाह रहा था कि चीजें कभी ना मिले। I know. पता नहीं और कितना टाइम लगेगा पासपोर्ट मिलने में, मुझसे तो यहाँ एक मिनट भी नहीं रहा जा रहा। क्या हो गया, इतना तंग आ गई हम लोगों से? नहीं,
बस और तंग नहीं करना चाहती, इवन नॉट फॉर अ मिनट। अब डन है इनफ। आई एम सॉरी पायल, अम्मी की वजह से तुम्हें। अरे नहीं, अम्मी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपकी गलती है, आप उठा के एक लड़की को घर ले गए। तो क्या करता तुम्हें, सड़क पे रोता हुआ छोड़ देता? सो व्हाट, सड़क पर तो और भी लोग रो रहे हैं, मैं भी रो लेती और चुप हो जाती। हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ गलत फहमियों को सच मानकर जिंदगी के फैसले कर लेना, इट्स नॉट राइट। गलत फहमी? हाँ गलत फहमी। एनीवेज, यहाँ कोई मंदिर है? मंदिर? मंदिर जाके क्या करना तुमने? माथा टेकना है। वग वग अंदर इश्क समंदर, तन तालू सब डूबे, दिलदार बोलो। हेलो, ये भाई कहाँ है आप यार? वो मैं, क्यों खैरियत? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मम्मी को? मुझे लगता है उनका ब्लड प्रेशर हाई है, अभी चकरा के गिर गई थी। गिर गई मम्मी? आप हैं कहाँ, कब आ रहे हैं, जल्दी आए। मैं एक जगह फंसा हूँ, तुम एक काम करो, एम्बुलेंस कॉल करो और अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं वहीं पहुँचूँ। भाई आप कैसी बातें कर रहे थे, मैं अकेले कैसे जाऊँगी, जल्दी आए। मैं कुछ करता हूँ ना, मैं पहुँच जाता हूँ, तुम एम्बुलेंस को कॉल तो करो। ओके। यार एक इमरजेंसी हो गई है, तो मेरे घर जा सकता? एक्चुअली अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं कहीं फंसा हुआ, मैं बता नहीं सकता, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, तो प्लीज घर जाके अम्मी को हॉस्पिटल ले जा यार, प्लीज जल्दी। थैंक यू। कैसी अम्मी? ये आप फोन पे भी पूछ सकते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, कैसी अम्मी? आपने ही लाजवाब किया है सर। ठहरे, अंदर मत जाएं, बेहतर होगा। बहुत मुश्किल से उनकी तबीयत स्टेबल हुई है, आप जाएंगे खामखा गुस्सा आ जाएगा। निदा, आंटी की तबीयत ठीक है अब? हाँ वो सो रहे हैं। मैंने कैसे समझाऊं कि मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ? उन्हें समझाने के बजाय आप खुद सिचुएशन समझे। एक दफा फिर मैं आप लोगों के रास्ते में आ गई। तुम नहीं, मैं खुद अपने रास्ते में आया। आज के डिले की वजह तो मैं हूं ना,
मुझे तो लगता है हमारे सितारे भी नहीं मिलते। अंदर जाऊंगी तो आंटी और नाराज होंगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा उनका। क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मिस्टर अली, इस दफा अपनी अम्मी पे फोकस करें, छोड़ दे मुझे। अगर तुम्हें छोड़ना होता तो वही मंदिर के बाहर छोड़ देता जब अम्मी के लिए पहली कॉल आई थी। नहीं छोड़ा ना तो समझने की कोशिश करो। कब आए? अभी आया। मिला आंटी से? पिता ने मना कर दिया कि मेरी वजह से अम्मी का बीपी हाई हो जाएगा तुम्हारा। मेरा ख्याल है तुझे इस वक्त उनके पास होना चाहिए। अंदर जा। Yes. I'm sorry, मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। एक्चुअली अम्मी के लिए कुछ चीज़ें लेने आया था, सोचा तुम्हारा पूछ लूँ। वो मैंने आंटी के लिए सूप बनाया था मॉम से पूछ कर। इट हेल्प्स इन हाइपरटेंशन। हाँ वो मैंने ले लिया, थैंक यू। मुझे कुछ और बात भी करना थी। कहें? पायल, मैं थोड़ा एबनॉर्मल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। देखो मेरी अम्मी काफ़ी लिबरल हैं, ब्रॉड माइंडेड भी हैं, लेकिन इस वक्त आई नो आप क्या कहना चाहते हैं। पता नहीं मैं ठीक से कन्वे भी कर पा रहा हूँ या नहीं। पायल तुम प्लीज नॉर्मल रहो। इस घर का हर फर्द तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम जो भी हो पहले एक इंसान हो। और हेलो, जी जी अली बात कर रहा हूं। चीजें मिल गई हैं क्या? लेकिन पासपोर्ट तो सबसे अहम चीज है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको फोन का इंतजार करूंगा। रिकवरी हो गई? हाँ सब चीजें मिल गई हैं सिवाय पासपोर्ट के। क्या पासपोर्ट कहाँ है? वो उन्होंने आगे भेज दिया था, लेकिन तुम परेशान ना हो, पुलिस वाले वहां पे रेड करेंगे आज। You know what? I never believed in luck. But now, I believe in bad luck at least. हाँ बाकी चीजें मिल गई हैं, पासपोर्ट भी मिल जाएगा। और कितने दिन लगेंगे? मुझे तो सब कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? मुझे तो लग रहा है जैसे कोई मेरे इर्द गिर्द जाल बुन रहा है। मैं जितना तोड़ती हूँ वो उतना बनता है। इसे जाल नहीं कहते, प्रोटेक्शन कहते हैं। और उन लोगों की जाती है जिनसे आप प्यार करते हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचने लगी? ना सोचू तो क्या करूं? मैं वही कह रही हूं जो तुम कर रहे हो। क्या कर रहा हूं अम्मी, मुझे आने में देर हो गई थी बस। उसकी वजह पायल हरगिज नहीं थी। तुम पायल की सफाइयां पेश करने आए हो? मैं सफाइयां पेश करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि आप गलत सोच रही हैं। मुझे आपसे ज्यादा और कौन प्यारा हो सकता है भला? पायल, अगर
स्नैचिंग वाला वाकया ना हुआ होता तो पायल अब तक वापस जा चुकी होती। खाना तकरीबन लग चुका है मेरे अजीज हमवतनों, आ जाएं। खाना आपको जोर जोर से आवाजें दे रहा है। तुम शोर मचाए बगैर कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तानी हूं, लेवल मेंटेन करना पड़ता है। वैसे इस मुल्क में कुछ शरीफ लोग भी रहते हैं, चुप रहने वाले। देखिए भाई, चुप कोई भी नहीं रहता सिवाय आपके। अच्छा यार, बेकार बातें बंद करो और बाकियों को बुलाओ। अम्मी को 3 दफा आवाजें दे चुकी हूँ और आपकी टूबी तैयार हो रही है। नेता, वैसे भाई मेरे पास एक बड़ा फैंटास्टिक किस्म का आइडिया, मैं आपको बताऊं। अम्मी के हाथों ना पायल को मुसलमान करवा देते हैं। इसका इतना बड़ा सवाब है, इस सवाब के चक्कर में अम्मी पायल को दोबारा गले से लगा लेंगी। क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ, बड़ा खानदानी मशवरा दिया है आपको, बिल्कुल आहिस्ता नहीं बोल सकती हो हर वक्त शोर। क्या यार, भूख लगी है। आहिस्ता बोला करो, कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर? निदा, सलाम अलैकुम। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि मोहल्ले वाले अब तक तुम्हारी शिकायत लेकर क्यों नहीं आए ऊंचा बोलने की। अम्मी देखें, मोहल्ले वाले ना मुझे अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं। निदा बस कर दो यार, अब तुम पायल को आवाज दो, अम्मी अब स्टार्ट करेंगे। अरे पायल आ जाओ यार, खाना तुम्हें आवाजें दे रहा है। आप खाएं, आपकी तो फेवरेट दाल भी बनी है। डालें, जल्दी डालें, मुझे भूख लग रही है। नमस्ते आंटी। तू? ये तुम अब मेरे ईमान का सौदा करने लगे हो? अम्मी आप खामोश हो जाओ, एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो मैं जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। एक गैर मुस्लिम को उठाकर घर ले आए हो और फिर मुझसे कह रहे हो कि अम्मी आप? मैं खुद नहीं जानता था कि वो हिंदू है। अब पता चल गया ना तुम्हें कि वो हिंदू लड़की है, तो निकालो उसे अभी घर से बाहर। मतलब अभी इस वक्त? तो फिर ठीक है, जाती हूँ घर से बाहर, बांधो मेरा सामान। अम्मी प्लीज। अम्मी उसका अकीदा जो भी है उससे हमारा क्या लेना देना है? हाँ बेटा, तुम चूंकि उसकी मोहब्बत के झूले में झूलने लगे हो ना, इसलिए तुम्हें तो कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन हमें है, तुम एक हिंदू लड़की को उठाकर घर में ले आए हो। हाँ वो तो खुदा का शुक्र है कि मैंने उसकी माँ से रिश्ते की बात नहीं की, वरना तुम तो हमें धोखा दे ही चुके थे। अम्मी क्या गैर मुस्लिम इंसान नहीं होते? अम्मी वैसे भी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तो चुप कर जा नीता, चुप कर जा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तो मिली भी अपने भाई से। हम मिले हुए? अम्मी कैसी बातें कर रही है? एक शख्स हमारे घर में रहता है, वो जो भी हो, हम तो मुसलमान है ना, हम में से तो कोई नहीं बदला। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो नीता, समझ आई? तुम अभी लेकर जाओ, अभी लेकर जाओ, छोड़कर आओ उसे। और अगर अकेला नहीं भेजना चाहते ना उसे, तो तुम खुद चले जाओ उसके साथ, लेकिन मेरे घर को पाक कर दो। अम्मी क्या हो गया आपको? उसके जाने में कुछ ही दिन तो बाकी रह गए, खुदा के लिए ऐसा मत करें, क्या सोचेगी वो? मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं, मुझे मेरे खुदा को जवाब देना है। और तुम तो अली घर के अलावा उसे अपने दिल में बिठाने के लिए लाए थे। तो अम्मी क्या खुदा ये कहता है कि किसी मजबूर और बेसहारा के साथ इस तरह का सलूक करो? पायल कहाँ है? पायल? 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 पायल तो क्या कहीं भी नहीं, तुम्हें पता है कहाँ? Don't come after me. Thanks for all the care. I will never forget you all. पायल? फिल्मी हीरो की तरह पढ़ते रहेंगे, जाके ढूंढेंगे उसे। हाँ लेकिन कहाँ? करीब पे ही होगी, तू नहीं जा सकती। हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी पता चले मुझे बताना।
हेलो हाँ केली यार ढूंढ रहा हूँ ना ऐसे थोड़ी कोई मिलता किसी स्टॉप पे रुक के पूछ ले हाँ पूछा है कैब वाले ने कहा है कि एक लड़की गई है यहाँ से रोते हुए बैग के साथ हाँ तो बुलेट ट्रेन में थोड़ी ना गई भी होगी किसी टूटी फूटी टैक्सी में ही होगी ना अच्छा देख रहा हूँ यार वो जी 2 घंटे पहले अपनी चीजें ले गई लेकिन आपने दी क्यों मेरा मतलब है शिकायत तो मैंने करवाई थी ना भाईजान असल बंदा जिसके साथ वकूआ हुआ है वो मौजूद है ऊपर से बीबी ने फोन करवा दिया था बेग साहब से थाने पर हम क्या करते वैसे खैरियत तो है ना जी हाँ हाँ खैरियत है मसला नहीं है बस वो पासपोर्ट रही था इसलिए क्या है पासपोर्ट भी बरामद हो जाएगा मुल्जिम तो हमने पकड़े हुए हैं जी जी शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए कुछ अच्छा भी सोच लिया कर यार कुछ नहीं होगा एक मिनट मोबाइल रिकवर हुआ है ना एक मिनट लोकल नंबर है ना उसका ट्रैकर मोबाइल रिकवर हुआ हाँ हाँ हुआ है ना यार तभी तो कह रहा हूँ बेल जा रही है हेलो हेलो पायल पायल यार कहाँ हो तुम ये क्या हरकत की है तुमने हाँ जरूरी हो गया था नेता क्या जरूरी था पायल हाँ जब से तुम गई हो हमारे घर में एक तूफान सा मच गया है अली भाई उस वक्त से बाहर हैं पूरे कराची में तुम्हें ढूंढ रहे हैं मैं किसी सेफ जगह पे हूँ इन लोगों को मेरे हिंदू होने का कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम तो हमें भी नहीं है पायल तुम इतनी जालिम हो हमसे मिले बगैर हमें बताए बगैर चली गई एक आधा स्पीड ब्रेकर तो होता है जिंदगी फॉर मी It was never a smooth road. I'm sorry, Nida, मैं तुम्हें बताए बगैर चली आई कि मुझे rejection से बहुत डर लगता है क्योंकि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती Come on, Payal, don't be silly, please. एक बात समझने की कोशिश कर तुम जानती हो अली भाई तुम्हारे बारे में कितना पागल है और तुम मेरी भी दोस्त हो अभी तुमसे इतना प्यार करती है और अचानक क्यों बिहेव करने लगी आई नो लेकिन निता मैं हिंदू हूँ माय गॉड पायल प्लीज स्टॉप इट हद होती है एक चीज की तो मुझे फौरन बताओ तुम कहाँ मैं तुम्हें लेने आ रही प्लीज निता रहने दो पहले ही आप लोगों के इतने एहसान है मुझ पर इससे ज्यादा शायद ना उठा सकूं मैं पायल तुम चाहती वाली भाई की तरह मैं भी सड़कों पर निकल के तुम्हें ढूंढने लग जाऊं हाँ देखो तुम्हारी वजह से सब घर पे बहुत परेशान है एक दफा मिल के चली जाओ ओके नहीं निदा मैं खुद अकेले रहना चाहती हूँ कुछ देर तुम दुआ करो कि मेरा पासपोर्ट जल्दी मिल जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ वैसे पायल मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगी प्लीज निदा ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं अगर ना आती यहाँ तो पता नहीं शायद रिवेंजफुल हो जाती तुमने तो बदला फिर भी ले लिया पायल आई एम सॉरी निदा मैं देखो तुम इस वक्त रिलैक्स करो मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगी और वो कॉल तुम्हें तब आएगी जब मैं तुम्हें लेने के लिए निकल चुकी होगी एंड आई होप कि तुम मुझे सड़कों पे ख्वार नहीं करवाओगी प्लीज निदा मुझे और खुद को और इम्तिहानों में मत डालो और हो सके तो मिस्टर अली से कह दो कि वो घर चले जाएं अब तो मिस्टर हटा दो अली के नाम से मैं जानती हूँ वो घर नहीं आएंगे और मेरा ख्याल है अब तुम्हें भी पता चल जाना चाहिए खैर मेरी कॉल रिसीव कर लेना ठीक है ओके बाय बाय
लाहौर। हेलो अली भाई, मेरी बात हो गई पायल से। क्या बात हो गई, कहाँ है वो? कुछ नहीं कहा उसने, आप बस घर आ जाओ। प्लीज बताओ तो सही क्या बात हुई है तुम्हारी। यार आप घर तो आए, यूं सड़कों पे फिरना फजूल है यार। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम खुद को कैदी ना समझो। थैंक यू फॉर दैट। देखो पायल, तुम्हारे बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। कमाल है, इतनी जिद्दी लड़की हो तुम। बात जिद की नहीं है निदा, तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। ओफो, मैं जानना भी नहीं चाहती। हम दोनों के लिए तुम काफी हो पायल। पायल, अगर रिलीजन रुकावट होता तो हम दोनों कभी ना आते। रिश्ता इंसान से होता है, मजहब से नहीं। गलत है ये बात, झूठ है। इसका मतलब है कि तुम्हें हमारी मोहब्बत नजर ही नहीं आती। निदा, सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हें हमारी मोहब्बत चाहिए ही नहीं। मुझे डर लगता है इस लव से, कोई मतलब नहीं है मोहब्बत का। It's just a toy. लोग खेलते हैं और छोड़ देते हैं। पायल, मेरा नाम इब्रार नहीं है। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सबसे नफरत है, आप लोगों की तो इतने एहसान है मुझ पे। अच्छा बदला दे रही हो हमारे एहसानों का। निदा प्लीज, I'm sorry. तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको और तकलीफ ना दो। और You've seen this place. रोज आओ, हम लोग बाहर जाएं, चिल करें, मुझे अच्छी मेमोरीज के साथ जाने दो। दिन ही कितने रह गए, पासपोर्ट मिल जाएगा और एक दो दिन तक मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हीरोइन के बजाय विलेन लग रही हो तुम, मुझे मिले बगैर मत जाना। अरे वाह, वेलकम बैक मेरे मजनू भाई। क्या हाल है आपके, आ गए आप घर? वैसे अली भाई, इस दिन के अलावा मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं आपकी बड़ी बहन होती। कसम से, अगर मैं आपकी बड़ी बहन होती ना तो ऐसा मजा चखाती कि आप जिंदगी भर याद रखते। मेन हद है यार, जब से पायल आपकी जिंदगी में आई है तब से आप कुछ और सोचते ही नहीं है। मतलब हम भी हैं। मेरा पासपोर्ट अम्मी ने तुम्हारे पास रखवाया था, वो चाहिए मुझे। पासपोर्ट क्यों, मॉरिशस जाने के लिए? आप ऐसा करें, इतनी दूर जाने के बजाय किसी लोकल डॉक्टर पे अपना जाके चेकअप करवाएं। निदा, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए बस। मजाक के मूड में मैं भी नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ। आपका मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है, आप सिर्फ घर आए अपना पासपोर्ट मांगने के लिए। आपको अम्मी का ख्याल नहीं है? एक बार भी आपने अम्मी का नहीं पूछा, ना मुझसे पूछा कि हम पे क्या गुजरी है। अम्मी परेशान हो कि उन बेचारी का बुरा हाल है और आप है कि पासपोर्ट मांग रहे हैं अपना। Dude, look at you. बीमारों वाला हाल बनाया हुआ अपना। मोहब्बत में ये होता है? मोहब्बत में तो सब अच्छा लगने लगता है यार। निदा, इसे कुछ मत बताना, ना अपने बारे में और ना ही मेरे बारे में। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, इसे लेने के बाद अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाना, हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना। कहीं इस तकल्लुफ में तुम लेट ना हो जाओ। प्लीज निदा, मेरे पास इस वक्त टाइम बिल्कुल नहीं है। आपने अम्मी को बताया? नहीं। क्या मतलब?
मम्मी से मिले बगैर चले जाएंगे? तुम्हें पता है ना वो क्या क्या कहेंगे। आप क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे? आप जानते हैं कि उन्हें बताए बगैर जाएंगे तो क्या? निधा तुम प्लीज उन्हें समझा लेना, मेरी बहन नहीं हो प्लीज। भाई यार मैं कैसे बाप खुद रियलाइज करें? निधा प्लीज प्लीज। निधा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फिर इस तरह से चुपचाप क्यों बैठी? मैं सोच रही थी कि सब कुछ कैसे होगा। क्या क्या सोच रही है? कुछ नहीं, अब आप मुझे पैसे दे दें, मैं सौदा और आपकी दवा ले गया। क्या मतलब? अली नहीं लेकर आएगा? उसने मेरी दवाइयां लाने से भी मना कर दिया है क्या? मना तो वो शख्स करता है जो मौजूद है, वो तो यहां है ही नहीं। क्या Mauritius. अली मतलब मुझसे उसे मिले बगैर? अभी पायल मैं आपकी मुश्किलात बढ़ाने नहीं शायद कम करने आया हूँ। क्या जानते हैं आप मेरे घर के बारे में? ज्यादा नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूँ कि मुश्किलें बनेंगी। क्यों मिताली क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? जबरदस्ती ऐसे तो ना कहो, मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। But I don't love you. और आप कुछ छोड़ कर नहीं आए, मेरा सब कुछ छुड़वाने आए। कैसी बातें कर रही हो पायल? सही कह रही हूँ, मुझे किसी प्रिंस चार्मिंग की जरूरत नहीं है जो यहाँ आए और इस कैद से रेस्क्यू करे मुझे। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। मोहब्बत सिर्फ कैदियों से तो नहीं की जाती पायल। सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी मोहब्बत सच्ची है और अगर मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो जगह ना देखी होती तो तुम्हें सब कभी ना कहता। It's just because you were kind to me. मुश्किल में थी मैं, आपने मदद की मेरी, that's it. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। One thing I know, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। पायल, I have told you, love शब्द कुछ नहीं होता। It's just one big trap. Please keep yourself protected. कैसे दूर रहूं जबकि मैं भी उस मोहब्बत का एक लम्हा हूं, ठहरा हुआ। देखो आई एम वार्निंग यू, ये जाल है, जाल है, दूर रहो इससे। मामा आपके नुकसान का अंदाजा है मुझे, पहले तो सिर्फ सुना हुआ था, अब तो खुद देख कर आई हूँ। अली यहाँ क्यों आया है, तुमसे मिलना? मुझे नहीं पता, उनकी ट्रैवल एजेंसी है, शायद वो उसी के सिलसिले में आया। आप आई एम सॉरी पायल, जाना पड़ा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर अली आप मुझे किस इम्तिहान में डाल रहे हैं? मॉम अंदर नहीं है। मैं घर में अंदर आने के लिए नहीं आया, I'm fine है। मैंने कहा था ना कि आप अगर मेरे घर आए तो मेरा घर अपसेट हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी मामा से मिलना है। नहीं मिल सकते आप मॉम से,
पर अगर थोड़ी सी हमदर्दी है तो नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ आपने मॉम से क्या कहना है। पर इस मोहब्बत का क्या करूँ मैं जो मुझे चैन से कहीं बैठने नहीं दे रही। आपका क्या ख्याल है कि मैं कोई लॉटरी हूँ और आपने खरीद लिया मुझे? मैं कुछ खरीदने की बात नहीं कर रहा पायल, मैं तो अपना सब कुछ अपनी जिंदगी तुम्हें देने आया हूँ। झूठ है ये सब, कोई किसी के साथ अपनी जिंदगी शेयर नहीं कर सकता। कुछ नहीं छोड़ सकते आप, ना घर, ना मुल्क, ना रिलीजन, नथिंग। मोहब्बत के लिए कुछ छोड़ना जरूरी है क्या? छोड़ना पड़ता है। देखिए प्लीज चले जाएं आप, मॉम ना आ जाए। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? प्लीज मिस रैली जाएं, गो बैक, गो होम। एक पल की है सारी कहानी, लम्हे बन जाते हैं निशानी, कस कस रूहते झमका मारे, इश्क ना झपके आँख निमाड़ी, खतरे में तूफान, इश्क अलिफ की जान निमाए, इश्क अलिफ की जान निकले कैसे जान, यस। यस। तुम अली हो? जी बुआ, आप कौन? राधा, पायल की मामा। आंटी आप प्लीज बैठिए प्लीज। ना ना, मैं बैठने नहीं आई, तुमसे सिर्फ पूछने आई हूँ कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने आए हो? मैं इस बारे में आपसे मिलना चाहता था लेकिन। सीधी सीधी बात करो, तुम मेरी बेटी पायल से शादी करने आए हो? जी, प्यार करता हूँ पायल से और उसे। तुम? मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज अंदर आओ। पहले हम पहले भी एक छत के नीचे रह चुके हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। वापस चले जाएं प्लीज। जरूर, दो टिकट्स करवाओ अभी चलते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मजाक नहीं है पायल, हकीकत है। प्लीज मिस्टर अली, चीजों को और कॉम्प्लिकेट ना करें। पायल मैंने तुम्हें पहले भी बताया, सुनने और कहने नहीं आई हूं। मॉम आई थी आपके पास? हाँ, बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर।
सुनूं कि अब तक प्यार करती हैं तुमसे, कुछ भी कर सकती हैं तुम्हारे लिए। क्या कहा मॉम ने आपसे? कुछ नहीं, बस शुक्रिया अदा करने आए थे। आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? सिर्फ यही बात हुई है? जब तुम्हारी अम्मी आई तो मुझे अपनी अम्मी याद आ गई। कितनी पोजेसिव होती है माँ अपनी औलाद के बारे में। विल यू प्लीज टेल मी कि बात क्या हुई? बात बात कहने के बजाय लिख के गई है कि only I can love my daughter। लिख के कहाँ लिखा मॉम ने? Yeah। अभी तक लिखा हुआ। Oh God। क्या हुआ? Oh God। मॉम ने हाथ उठाया आप पर? तुम परेशान ना हो पायल, उन्हें ऐसा लगा जैसे कि मैं उनसे उनकी औलाद छीनने आया हूँ। I can't believe this। पायल, हल कुछ नहीं होता। माएं ऐसे ही रिएक्ट करती हैं। तुम्हें याद है ना, मेरी अम्मी की बातें भी तुम्हें थप्पड़ की तरह लगी थी। पायल कहाँ जा रही हो? I'm sorry। ये नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा ना पायल को, पायल पायल प्लीज स्टॉप। क्या कसूर था उसका? किसका? अली? अली से मिलने गई तुम? तुम्हें अभी भी कसूर नजर नहीं आ रहा? क्यों अपना नुकसान करना चाह रही हो? उसने मेरा बुरा करना होता तो उस वक्त करता जब मैं बेबस थी। Instead he took me home and you know that। उसकी माँ ने उसे घर में सोने से मना कर दिया मॉम, क्योंकि मैं उनके घर चली गई थी। और ऐसे इंसान को आपने थप्पड़ मार दिया। पायल मॉम, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ कि कोई मुझे बहला के यहाँ से ले जाएगा। आपकी वजह से मैंने उसे घर में आने से मना कर दिया, आप थप्पड़ ही मार रही जाके। बेबी अभी तो मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है ना, तुम्हारे लिए मैं मर सकती हूँ, ठीक है? This was only a slap। मामा मैं आपके खौफ जानती हूँ, लेकिन थप्पड़ मुझे किसी मुसलमान हिंदू से डर नहीं लगता, मुझे बुरे इंसानों से डर लगता है। आपको एक मुसलमान ने धोखा दिया था, एक और मुसलमान ने मेरी हेल्प की है। मॉम, डोंट फॉरगेट दैट यू वर अ मुस्लिम टू व्हेन यू गिव बर्थ टू मी। पायल, अम्मी अम्मी कुछ तो बोले, कब से पत्थर बनी बैठी हुई है। देखिए मैं आपके लिए खाना लाई हूं, जल्दी से खा लो। हमारे माथे पर बदनामी लिखकर चला गया वो। अम्मी जो अली भाई ने किया वो हमारा मसला है, हमारे घर का मसला है। ये लोग कौन होते हैं उस पे तबसरे करने वाले? नेता नेता, ये दुनिया है जो हम भी हैं। क्या होगा तुम्हारा बेटा? अम्मी बुरा सोचने के नुस्खे लिखे हैं डॉक्टर ने आपके लिए। थिंक पॉजिटिवली, क्या हो गया? कालक मल के चला गया वो मेरे मुंह पर, जो खुदा के सामने भी लगी रहेगी। प्लीज अम्मी ऐसे ना कहें। नेता, मैं ना रही तो तुम्हारा क्या होगा बेटा? अम्मी फॉर गॉड सेक, ये बातें करके आप खुद को भी कमजोर कर रही हो और साथ साथ मुझे भी। नेता, बेटा मेरा तो कोई है भी नहीं,
उसके पास तुम चली जाओ मेरे मरने के बाद। अम्मी बस बस बात हो गया, नहीं आएगा तुम्हारा रिश्ता, अब कोई नहीं आएगा हमारी दहलीज पर। बस इतना ही यकीन करती है अल्लाह ताला पर, भरोसा रखें अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे, मैं जानती हूँ। उसे किसी तरह अपनी जिंदगी से निकालना होगा, उफ क्या करें हम। Anyway, पायल कहाँ है, where is she? पता नहीं, वो बाहर ही रहती है उसके साथ। You have to help me. अरे क्यों टेंशन लेती हो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा पायल को। क्या नहीं होने दोगे, तुम हो कौन हमारे? पायल डोंट बी रूड। व्हाट रूड मामा, इस इंसान की वजह से पहले भी आपने वो किया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी। पता नहीं क्या क्या फीट करता रहता है ये। तुम तो बिल्कुल बावली हो गई हो, हैव यू गॉन क्रेजी? तुमने इसे कहा कि तुम अली से मोहब्बत करती हो क्या? शर्म तो नहीं आती तुम्हें है ना? मेरी बात का जवाब दो। पायल, listen, we just want to save you, that's it. कान खोल के मेरी बात सुन लो राहुल, आज के बाद तुमने अगर मेरे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व किया खुद को, you will regret it. तुम पागल हो गई, इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो तुम? होश में हूँ मामा, पता नहीं क्यों आग लगाने आ जाता है ये बार बार। पायल आग से तुम खेल रही हो, मैं नहीं। Just get lost from here. दफा हो जाओ यहाँ से। Bye auntie. जाओ हाँ। Hello Nida. मुझे पता है तुम सुन रही हो, प्लीज कुछ तो बोलो निदा। क्या बोलना चाहिए मुझे? निदा तुम्हें तो मैं बता के आया था यहाँ यार। मैंने आपसे कुछ पूछा? तुम तो ऐसी बातें मत करो यार, घर पे मेरी कोई तो सपोर्ट होनी चाहिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अब आप जब भी आए, को बहुत देर हो चुकी है। निदा प्लीज ऐसी बातें मत करो, इस वक्त मैं तुमसे दूर हूं इसलिए लड़ भी नहीं सकता तुम्हारे साथ। लड़ तो हम रहे अपनी किस्मत से। रिश्ते से किसने इनकार किया, कौन ये बातें मोहल्ले में फैला रहा है? इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि सारी बातें तो हम सुन रहे हैं, आपके तो कान भी दूर है और आंखें भी। बिल्कुल अम्मी की तरह बोल रही हो तुम, और अम्मी कैसी हैं मुझसे तो बहुत नाराज होंगी। क्या हाल सुनना चाहेंगे? आंसू गिन के बताओ कितने गिराए हैं उन्होंने, या टुकड़े गिन के बताओ जिसमें उनका दिल तकसीम हो चुका है। आप अपनी माँ खो चुके हैं, वो भूल चुकी हैं कि उनका कोई बेटा भी था। किताब आपको अपनी पाल मुबारक हो। कस कस रूह ते झमका मारे, इश्क ना झपके आँख निमाड़ी, खतरे में तूफान, इश्क अलिफ की जान निमाए, इश्क अलिफ की जान। Hey, you! Are you the lover? Are you the lover? Problem kya tumhari?
tell me, Rahul. Is he okay now? It's critical. He has a very bad head injury. Oh my god. Was it accident? I don't know the details yet. Looks like he was in a very bad company. What? He had vis in his mouth. Excuse me, doctor. He'll be all right. It's too early to say. We are trying our best. Please pray. क्या हुआ? ये अभी मैं बताऊं कि क्या हुआ? आई थॉट तुम मुझे माफी मांगने के लिए आई हो. एनीवे, व्हाट्स इन योर हेड? क्यों मारा तुमने अली को? पागल हो गई होगी. मैं क्यों मारूंगा उसको? पागल हुई नहीं राहुल, मैं तुम्हें यहाँ दिखाने आई हूँ कि मैं पागल हो सकती हूँ. Are you scaring me or you just wrong? मुझे सब पता है राहुल. मेरे पास तुम्हारी वो हैंडराइटिंग है जो तुमने अली को मार के उसके मुंह में डाल दी थी. Remember? हाँ, हाँ, मैंने मारा उसको. तो सलाम. एक बात याद रखना राहुल, अली अपनी जिंदगी की जंग लड़ा और अगर वो जंग हार गया तो तुम अपनी जिंदगी जेल में गुजारोगे. आई प्रॉमिस यू. क्या हुआ अम्मू? आप फिर वही बातें सोच रहे? ये सौदा कहाँ से आया? भाई बाजार से लाए हैं और कहाँ से लाएंगे? तो बताओ इरफान, कहाँ से आई ये? मेरा ख्याल है आंटी, वो शायद अली ने ऑफिस फोन कर दिया था. मैंने मना किया था ना,
उसकी कमाई का जर्रा भी हराम है मुझ पर। मम्मी, अली भाई के कारोबार में आपका और मेरा दोनों का हिस्सा। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उस शख्स से, अजनबी है वो मेरे लिए। आंटी माँ नाराज भी हो? नहीं हूँ मैं उसकी माँ, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे। ले जाइए सब कुछ, ले जाइए मुझे, मैं भूख से मर जाऊंगी लेकिन उस बदबख्त की कमाई का कुछ नहीं खाऊंगी मैं। ले जाइए सब कुछ। ठीक है आंटी, आप टेंशन मत ले, मैं वापस ले जाता हूँ सब कुछ, प्लीज। हाँ सब ले जाओ, ये सब कुछ ले जाए। ऐसा करें मैं आपको कुछ बेचने के लिए भी दे देती हूँ, वो भी ले जाइएगा। एक मिनट, बोलो। निदा तुम घर पे हो? हाँ। अपने कमरे में हो तुम? बोलो पायल क्या बात? निदा तुम्हारे साथ तुम्हारी अम्मी तो नहीं है? नहीं पायल, लेकिन बात क्या है बता तो दो। मैं कैसे बताऊं? खैर है पायल, वैसे भी हमें बुरी खबरों की आदत हो चुकी है। निधा, मिस्टर अली। क्या हुआ अली भाई को? उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? नहीं, क्या किया है तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ? निधा मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। पायल ये तुम क्या कह रही हो? कोमे में है वो, ब्रेन सर्जरी है उनकी, प्लीज दुआ करना। निदा हेलो, आप क्यों उठे हैं? तुम ऐसा कुछ छुपा रही हो, क्या बात है? नहीं बस जी भरा है। क्यों रो रही हो तुम? कुछ नहीं बस, भाई की बहुत याद आ रही। निदा उसे भूलने की आदत डालो। क्यों भूलूं? कैसे भूलूं मैं अपने भाई को? मैं जानती हूँ, बस एक दो दिन में वापस आ जाएंगे, वो मुझे अकेला छोड़ कर नहीं जा सकते। उसको कुछ हुआ है क्या? नहीं तो आयन भी ना पागल है, कुछ भी कहती है। कह रही थी कि भाई को ऑपरेशन है, मैं जानती हूँ भाई को कुछ नहीं हुआ। आप तो दुआ करेंगे ना भाई के लिए, मैं जानती हूँ अल्लाह भी आपकी दुआएं सुनते हैं। वो मेरे भाई की जान बख्श देंगे। आप अल्लाह भी से दुआ करें ना कि वो मेरे भाई को बचा दे। आप करेंगे तो दुआ, भाई की जान खतरे में, मैं नहीं जी सकती अपने भाई के बगैर। अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी प्लीज। एक पल की है सारी कहानी, लम्हे बन जा
परेशानी कस कस रूह ते छमका मारे इश्क ना झपके आँख निमाणी खतरे में तूफान इश्क अल्फ की जान निमाए इश्क अल्फ की जान निकले कैसे जान निमाए इश्क अल्फ की जान आंसू बीजे फसल उठाई ख्वाबों देखी आंख जगाई मतलब चेंज किया ना तूने? Don't chase me, Rahul. I'm not chasing you. Payal, listen. Payal, I'm talking to you. Payal, Payal, listen. Payal, why? मेरे पाक परवरदिगार मैं बहुत कमजोर और नातवा हूँ मेरा सीना पहले ही सदमों से छलनी है मेरे खुदाया मुझे औलाद का सदमा ना दिखाना तो मेरे बेटे को जिंदगी दे दे सेहत दे दे मेरे मौला मेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लगा दे मेरे खुदाया तो मेरे अली को मुझसे मिला दे सेहत दे दे उसको ठीक कर दिया मेरे खुदाया मेरे अली को ठीक कर
ठीक होगा, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। हां बी थैंक गॉड, थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू। सर्जरी सक्सेसफुल थी, लेकिन लेकिन क्या मामा, कुछ छुपा रही हैं आप? नो, छुपा कुछ नहीं रही, बट द डॉक्टर्स आर सेइंग देयर इज अ चांस कि वो शायद पैरालाइज हो जाए। पैरालाइज? मॉम, ही इज इन बेड, हिज मदर इज पैरालाइज्ड, उनका घर उजड़ गया मेरी वजह से। नहीं, आई नो इट्स सैड, लेकिन ये तुम्हारी वजह से सारा नहीं हुआ बेबी, डोंट टेक इट अपॉन योरसेल्फ, ये तो सब राहुल की गलती है ना। यू शुड बी हैप्पी। हाँ नीता, पायल तुम भाई के रूम में हो? भाई जान जाए ना, देखे मैंने ना नीता। आंटी कैसी हैं आप? उन्हें अभी मुकम्मल तरीके से होश नहीं आया, लेकिन बाल भाई तो ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर यही कह रहे हैं नीता, मुझे पता है तुम्हारा वहां से आना मुश्किल है, लेकिन 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 क्या बाल, बोलो, कोई मसला तो नहीं है ना, सब ठीक है? I wish कि तुम यहाँ होती। अम्मी की बीमारी से मेरा एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। हाँ, अगर अली भाई ठीक हो जाते और वापस आ जाते तो शायद उस नुकसान की तलाफी हो जाए। निदा हौसला करो, तुम बस दुआ करो अली बिल्कुल ठीक हो जाए। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता पाए, कुछ बदल चुका है। काश काश मैं वक्त का पहिया घुमा सकती, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है अब। पता नहीं किसका कसूर है और किसका नहीं, लेकिन नतीजा ये है कि हमारा घर बड़ी सी कब्र बन चुका है, और मैं नहीं जानती कि मैं अकेले कैसे लड़ सकूंगी। तुम्हें हिम्मत का कहते हुए शर्म आती है मुझे, काश तुम सामने होती देखती, मेरा भी दुख उतना ही है जितना आप लोगों का है। मुझे अंदाजा है, पर बहरहाल अली भाई को होश आ जाए ना तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, कर दूंगी। बाय। अली भाई से बात कर सकती हूँ? भाई कैसे हैं आप? आपका हर काम करवाने के लिए मैं आपसे जुर्माना ली थी। Well, guess what? आज आपने आंखें खोल ली, मैं आपको पूरे 5,000 रुपए दूंगी। I promise. आंखें खोल मेरे लिए, कमी के लिए। ओके निदा, बाय।
मॉम, राहुल मिला कहाँ आपको? बेबी अभी यहाँ हॉस्पिटल में ही मिला था। अभी यहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मॉम वो अली के कमरे में चला जाएगा, उसे मार देगा। पायल, पायल, बेबी, सुनो। क्या करने आया था यहाँ? बाय। राहुल, क्या कर रहे तुम? प्लीज प्लीज somebody come here। नहीं नहीं, मैं इसको देखने के लिए आया था। नहीं, बस तुम मार रहे थे। नहीं, help please। पायल, क्या हुआ? राहुल, मारो इसको। पायल, calm down। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुमने उसे confirm suspect बना दिया है। It is not more than this। मैं नहीं आती तो वह मार देता अली को। पायल, हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। आप भेजिए राहुल से। हाँ, राहुल से डरती हूँ और तुमसे भी डरती हूँ, और तुमसे ज्यादा डर रही हूँ अब मैं। मैं मर के क्या करूँगी? कैसी बातें सोच रही? मौत से कौन भाग सकता है? अकेली, अकेली कैसे रहेगी बेटा? अकेले रहने के लिए प्रैक्टिस की थोड़ी ना जरूरत होती है। आप मुझे कहाँ छोड़ के जा रही? आप यही है मेरे पास। डरा रही है मुझे। दरवाजा मत खोलना। He's opening his eyes. Ali? Ali? Do you want to? You feeling better? Ali? Ali? Where are you? Chale ji. वैसे अम्मी, एक बात कहूं, चलती फिरती तो आप पहले भी नहीं थी, अब तो आपको बहाना ही मिल गया है। माजूरी का? अम्मी, चल फिर ना सकना माजूरी नहीं होती। माजूर वो होता है जो प्यार ना कर सके, और आप तो मुकम्मल प्यार है। निदा, निदा शादी कर ले फौरन। उफ़ हो अम्मी, आप क्यों खीर पे नमक छिड़कना शुरू कर देती हैं? कर लूंगी मैं शादी, कर लूंगी, लेकिन पहले आप ठीक तो हो जाएं। अच्छा, I promise, जिस दिन आप मेरा हाथ छोड़ के सड़क पे मोटरसाइकिल चला के दिखाएंगी ना, उस दिन मैं शादी कर लूंगी। डील? गुड। हेलो। यस मॉम। क्या अली को होश आ गया? थैंक गॉड। अब मॉम, मैं आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। ओके। हेलो। हेलो हेलो निदा, निदा अली को होश आ गया है क्या? हाँ, रियली?
ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ओके बाय। It's a miracle. I think doctor ko apna kaam karne do. Haan baby, hum baad mein. Aajo, good girl. Ali bach to gaya, but it's a miracle. Usko bach nahi tha mom, bahut jagahon pe uska intezar ho raha tha. Haan, lekin. Lekin kya? Is everything all right? बच गया बट मॉम क्या कुछ छुपा रही हैं आप? नहीं बेबी, वो अब अपने पैरों पे कभी नहीं चल सकेगा। He is now paralyzed. पायल यार, कब से फोन कर रही हूँ, ऐसे मौके पे तो फोन उठा लिया करो। मैं निदा, मैं बिजी थी इसलिए नहीं उठा रही थी। भाई के पास नहीं हो? नहीं, मैं हॉस्पिटल से बाहर हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं, मेरी आवाज ठीक है। भाई ठीक तो है ना, होश में तो है ना? हाँ होश में है। यार पायल, मेरी स्काइप पे भाई से बात करवा दोगे? अब जैसे ही कन्वीनियंट होगा मैं करा दूंगी, अभी वो आईसीयू में है। और कितने दिन रहेंगे वो हॉस्पिटल में? मैं बाद में कॉल करूं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। भाई सब ठीक है ना? करके भर दे इश्क के सारे खेल निराले। भर भर दर्द भंडारे सात समंदर रुलावे इश्क है। बेबी प्लीज काम डाउन, कंट्रोल योरसेल्फ। मॉम अली और मजदूर, ये कैसे हो गया? बेबी जिंदा है, तुम्हें पहचानता है, बी हैप्पी। वरना जिस किस्म का उसे एक्सीडेंट हुआ ना, आई थॉट ही वुडंट सर्वाइव। यू न्यू इट कि वो मजदूर हो जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा रहेगा कि नहीं। देखो हिज मेमोरी इज इंटैक्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है। डोंट बी अपसेट, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। अगर वो मर जाता तो हमको क्या फेस करना पड़ता? हम आप अभी भी अपना सोच रही है। अली की टांगे चली गई है मॉम, इस जिंदगी से बेहतर था वो जिंदा ना ही रहता। ओके यू रिलैक्स, आओ कम कम कम। इश्क अल्फ की जान निवाए, इश्क अल्फ की जान। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? मम्मी कैसी है, कहाँ हैं आप? ठीक है, वो घर पर है। क्या हुआ उन्हें? बस लाइट्स ऑफ पैरालिसिस। कैसे करें इसे पूछने तो? सब ठीक है, निदा से मेरी रोज बात होती है, शी इज फाइन। मेरी बात भी करवा दो प्लीज। कैसे बात कराऊं? They don't allow me to. मुझे बाहर ले जाओ जहां सब बात हो सके। अली
तुम किसी होटल या पार्क में नहीं हो। निधा का भी फोन आ रहा है बार बार, वो भी बात करना चाह रही है तुमसे, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ी तुम ठीक हो जाओ। क्या होना बाकी है, जो नुकसान होना था हो चुका है। क्यों आए थे यहाँ पे? तुम्हारे लिए। मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत? मोहब्बत की कीमत होती है, और अगर नहीं भी होती तो इस केस में है। You have paid for something which wasn't there. क्या मतलब है भाई? तुम तो मेरे सामने ना होते हुए भी हर वक्त मेरे सामने ही रहते हो। अरे अब ये बातें ना करो भाई। मैं तुम्हारी अम्मी ने तो बता दिया होगा। क्या? कि मैं मासूर हो चुका हूं। इश्क अलफ की जान निमाए, इश्क अलफ की जान। वो अपने पैरों पे यहां से चल के गए थे, ऐसे कैसे मासूर हो सकते? You know what? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तुम्हारे पीछे गए थे पायल। And I don't understand, तुम्हारी अम्मी कॉल कर हमें इतने कोल्ड लहजे में इतला दे रही है। क्यों किया आपने अली के घर फोन? ये तुम्हारा ड्रामा खत्म होगा कि नहीं? क्या मजाक उड़ा रही हैं आप उनकी बर्बादी का, या मजा आ रहा है अली की माजूरी देख के? Actually speaking, थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है। मुझे खुशी हो रही देख के कि जो आदमी मेरा घर बर्बाद करने आया था वो खुद बर्बाद हो गया है। तो आपको लगता है आपका घर बच गया? आपका घर तो उस घर से पहले बर्बाद हो गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको नजर नहीं आ रहा। Just shut up, पायल। मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो काम पूरा करूं जो राहुल अधूरा छोड़ गया है। आपने बहुत कोशिश की अली के घर फोन करके, अली का बताया और अली को उसकी माँ का बता के, कोशिश तो कर चुकी है ना आप? राहुल बिल्कुल ठीक कहता है, इस आदमी ने तुम्हें पागल कर दिया है। जो कुछ भी हो रहा है ना मामा, उसका हिसाब तो देना होगा। वक्त अपनी बैलेंस शीट आउट नहीं करता, जस्ट रिमेम्बर दैट। और हाँ, अली के घर आपने बिल्कुल गलत बताया, ही इज नॉट डिसेबल एट ऑल, क्योंकि मैं उसकी टांगे बनूंगी। राहुल ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी किसी को पैसे देकर। राहुल और मॉम भी बहुत खुश हैं कि तुम डिसेबल हो गए हो। शी वॉन्ट्स यू आउट ऑफ दिस कंट्री एज सून एज पॉसिबल। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? सच बोलना चाहती हूँ तुमसे। हमने तो सच ही बोला एक दूसरे से हमेशा। ये वक्त का दूसरा रुख है अली, पता नहीं तुम्हारे साथ आगे क्या कुछ हो। मैं बस हैरत कम कर रही हूं। तुम्हारे पास तो अब जवाब भी आ गया है मेरी मोहब्बत को ठुकराने का। जो हो गया हूं मैं। अली प्लीज, कैन यू स्टॉप ऑल दिस? मैं देखती हूं। निधा प्लीज, मैं तुम्हारी वालदा से बात करने आया हूं। आप अगर मेरी जिंदगी का फैसला करें तो मेरे सामने करें। बहन जी, ये आजकल की बच्चियां। मैं निधा के लिए इरफान का रिश्ता लेकर आया हूं। क्या? इरफान तो बहुत नेक बच्चा, बहुत नेक। बहुत? उसकी मंगनी हो चुकी है, ये ज्यादती है सर। निधा, जिन चीजों के बारे में इल्म ना हो ना,
उसके बारे में बात करने से परहेज करना चाहिए। खामोश रहिए आप। फान का मैं उसी की तरफ से आया। मंगनी? नहीं, आप मंगनी नहीं, निकाह होगा। जो ही आप हाँ कहेंगी उसी वक्त मेरी मौत का रास्ता आसान कर। नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? जबरदस्ती तोड़ी गई है इरफान की मंगनी। सर ये गलत है, प्लीज। इससे तुम्हें गर्ज नहीं होनी चाहिए निदा। मैं इरफान से पूछ कर आया हूँ ये रिश्ता लेकर। बहन जी, इरफान से अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। आप फौरन कबूल करें रिश्ता। इरफान जैसे बच्चे को कौन कबूल नहीं करेगा। अजय, फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। उसकी मंगनी का क्या होगा पैसा? वो जमीनी रिश्ता था बहन जी, ये आसमान पे बना है। वैसे आपको यकीन तो है ना कि जोड़े आसमान पे बनते हैं? बेशक। अरे तो बस फिर आप ये मिठाई खाएं, मैं जल्द से जल्द निकाह की तैयारी करता हूँ। लेकिन सर कैसे? पहले मैं बात करना चाहूंगी। कौन सी बात बेटा? हर बार मैं किसी और की कब्र पे अपने लिए फूल नहीं चढ़ा सकती। निदा, तुम ही देखो जहां तुम्हें देखने की जरूरत। इस कहानी में तुम्हारा रोल बचाने का है और बचाने वाला रूल्स नहीं देखा करता। सर निदा, अब हाँ हो चुकी है। बहन जी, मैं जाके निकाह की तैयारी करता हूँ फौरन। और बात सुनो, कुदरत के फैसलों पर झगड़ा नहीं किया करते। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी इरफान तो मेरे बेटों की तरह। अब आप पायल को इतना घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं, आदत है डरने की। अरे पायल, तुम छुपाओ मत, सच बताओ, तुम डर क्यों गई थी? क्या जरूरी है कि कुछ गलत हो तभी मैं डरूं? मैं खोने के डर से तुम्हें तुम्हारे पीछे यहाँ तक आया पाया। लेकिन तुम बताओ कि तुम क्यों डर गई थी? निदा की 19 मिस कॉल्स आई हुई है। तुम्हें लगा कि मैं कहीं चला गया? पता नहीं क्या इमरजेंसी हो गई है। मैं खुद से कहीं जा भी नहीं सकता पाया। उसने कभी ऐसे किया तो नहीं है। लेकिन तुम इस वक्त तो डरी हुई हो। मेरी मामा, she's after you. क्यों? क्योंकि तुमने उनकी बेटी जो छीन ली। क्या करने आए हो यहाँ पे? कुछ करने के लिए नहीं आया, कन्फेस करने। I don't trust you. Get lost from here. Otherwise, security को बुलाऊंगी। पायल, पायल, जितना नुकसान होना था हो चुका, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अली, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और उसी का प्लान कर रहे हैं ये। मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ पायल। प्लानिंग तुम्हारी मामा कर रही है। इनफैक्ट शी इज ब्लैकमेलिंग मी कि मैं कुछ करूं। आई एम सॉरी अली, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं क्या करूं, मुझे
मुझे आदत नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अभी भी मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। That's my lover. राहुल, आज के बाद मेरे सामने मत आना। सामने तो आना पड़ेगा भाई, जब तक तुम्हारे और मेरे बीच में यह तीसरा मौजूद है, आना तो पड़ेगा। Because I can't help loving you. मोहब्बत करते हो और छीनने निकले हो। ए! मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत से जीतूंगा, तेरी तरह हम धरती से नहीं। कोई नई साजिश प्लान हो रही है? तुम उस आदमी की वजह से ना बदतमीज भी हो गई हो। बहुत आइडियलाइज करती थी मामा मैं आपको, जब तक राहुल ने आपकी असलियत नहीं बता दी। पायल, जो कुछ भी तुम्हारी मामा कर रही है ना, वो तुम्हारे भले के लिए करती हैं। अच्छा, तो आप किसके लिए क्या कर रही हैं? मामा के लिए? पायल, आप दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लें। I'm not leaving Ali alone because I love him truly and madly. मेरे बात भी कान खोल के सुनो। हाँ, इतने साल मैंने इतनी मेहनत नहीं की तुम्हें पालने में, हाँ, कि तुम ये सारे तमाशे करो। चुपचाप से उस आदमी को छोड़ दो, वरना मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ओके, चुप हो जाओ। नहीं, तुम देखो ना ये क्या बातें कर रही है। ठीक है, ओके, क्यों नहीं समझती हो तुम? होश में आओ जरा। चुप 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 चुप। हेलो। इश्क ना छप के आंख में मारी। अम्मी, खतरे में तूफान। अली बोल रहा हूँ अम्मी। इश्क अलिफ की जान। अम्मी, नीमाए इश्क अलिफ की जान। निकले कैसे जान निमाए इश्क अलिफ की जान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह पाक इन दोनों में मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह पाक इनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। या अल्लाह इनमें मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह पाक इनमें मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जो हो गया वो हो गया, इसके आगे मैं उसे लेके नहीं जाना चाहती। निदा, तुम्हारी अम्मी, आप लोग कब तक अम्मी की बीमारी उनकी माजूरी को अपनी बेसाखी बनाएंगे? हाँ ठीक है, फिर उन्हें भी पता चल जाना चाहिए कि मुझे ये जबरदस्ती का ताल्लुक मंजूर नहीं। निदा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कोई नई बात तो नहीं की, यही कह रही तब भी और अब भी। मुझे इनकार। निदा, निदा।
कितनी अजीब बात है नाली, हमारे रोल्स रिवर्स हो रहे हैं। तुम यहाँ आए थे मेरे लिए और अब मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। ये भी उतना मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए था। जबरदस्ती चार लोगों की मौजूदगी में चार साइन करने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। वहां से ना निकलते तो आंटी पता नहीं क्या कर लेती। क्या जरूरी था निकलना इस वक्त? अब रो क्यों रहे हो यार, चुप कर जाओ निदा। अम्मी को नहीं छोड़ सकती। तो कौन कह रहा है छोड़ने को? उस वक्त हालत देखी थी उनकी। अभी थोड़ी देर में घर चले जाएंगे आप। और इस थोड़ी देर में उन्हें कुछ हो गया तो? अल्लाह निदा, जरूरी है हर वक्त बुरा सोचना? कभी अच्छा भी सोच लिया करो यार। नहीं, मम्मी को जानती हूँ, वो मुझे इस तरह घर वापस नहीं आने देंगी। मैं क्या करूँ निदा, बताओ मुझे। बस आप मुझे तलाक दे दें। What? दिमाग सही है तुम्हारा? पता नहीं, और इसके अलावा मुझे कोई। Shut up! तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? क्यों ना सोचूं मैं? हाँ? सब कुछ तो बर्बाद हो गया है हमारा। सब बर्बाद हो गया है। हम दर्दी के नाम पे खेला गया है हम दोनों के साथ। जब सब खत्म हो गया है तो फिर ये रिश्ता क्यों नहीं? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी भीख। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हुई है, मुबारक हो। मौला क्या तलाश कर रहे हैं आप? मेरी तलाश तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब मैं तुमसे मिला। तलाश खत्म हो गई लेकिन सफर शुरू हो गया। सफर तो करना पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते जिनकी मंजिल ना हो। पायल, मोहब्बत नतीजा और अंजाम देखकर नहीं की जाती। मेरे लिए यही बहुत है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूं। ये बहुत है मेरे लिए। हाँ, मेरे साथ मगर अपनों से दूर, मेरी वजह से। तुम भी तो अपनी अम्मी से दूर हो, मेरी वजह से। खैर, मुझे कहना था कि हम ये होटल छोड़ रहे हैं कल। क्यों, घर मिल गया? नहीं, घर नहीं मिला। जो मुझे अच्छे लग रहे हैं they're quite expensive. The rest of them are not worth living.
हाँ तो जब तक हमें कोई घर नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कम ऑन अली, आई नो योर कंडीशन, यू आर नॉट दैट फिल्थी रिच। लेकिन इतना जरूर है कि हम कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हैं। डोंट बी सिली अली, कितने दिन और रह लेंगे यहाँ? एक दिन और, जाना तो है होटल से। अम्मी तो मुझे घर आने नहीं देंगी और आपके घर में जाना नहीं चाहिए। ऐसा करें मुझे ईदी होम से छोड़ दें। मेरा भाई तो मुझसे छीन गया, आप लोगों ने मुझसे मेरी माँ भी छीन। क्या चाहते हैं आपके असलम सर? हाँ कि मेरी माँ खामोशी से अकेले मर जाए और हमें पता भी ना चले। मैं भी उसे जर्नल हॉस्पिटल में नर्स हूँ। इरफान साहब ने आपकी अम्मी के लिए एक दो दिन के लिए मुझे रखा था तो मैंने छुट्टी ली थी। अम्मा जी को मैंने लॉन्च में बिठा दिया, इस टाइम की दवा मैंने दे दी है, अब शाम में देनी है। ठीक है, ठीक। ओके, खुदा हाफिज। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। अरे आंटी, खुशी के मौके पे भी उदासी। एक तो आप अपनी बेटी को यकीन दिला दें कि दुनिया की कोई ताकत इसे आपसे छीन नहीं सकती। अरे बेटा, छीन तो चुके हो इससे तुम मुझसे। अरे नहीं आंटी, छीना कहाँ, मैं तो खुद आपका हो गया हूँ। खुशी के रिश्तों का ये कमाल होता है कि मनफी नहीं करते बल्कि जमा करते हैं। यही साजिश थी। अच्छा मैं जरा काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। एक और साजिश करनी, शाम तक आ जाऊँगा। हाफिज। ठीक तो है ना? तो नहीं हुई मेरे बगैर। मिस पायल राजा, मिस्टर अमित खन्ना, वेलकम टू माय ऑफिस। वी आर रजिस्टरिंग योर वेडिंग सेरेमनी टुडे इन मॉरिशस। I have filled the application form. Just sign it. Ali, अभी बहस का वक्त नहीं है, साइन कर दो, अदरवाइज हमारी शादी रजिस्टर नहीं होगी। Congratulations, this is your certificate. You are now husband and wife. Enjoy the new life. Merci. पहल, जो तुम करने जा रही हो क्या वो ठीक है? अली, जो होना था हो गया। वैसे भी जो लोग नतीजों से डरते हैं वो मोहब्बत नहीं करते। पहल? मामा? अपने दामाद से मिले। क्या क्या कह रही हो? हमने शादी कर ली। पागल हो गई हो तुम? ऐसी ही एक दुआ अली को भी दे दे। क्या बकवास किए जा रही हो? सेंसेस में हो तुम? सेंसेस में ही शादी की है मॉम, माएं तो खुश होती हैं बेटियों की शादी पे। तो मर क्यों नहीं गए? मैंने तुम्हें इसलिए बचाया कि मेरी बेटी को ट्रैप करो, शर्म नहीं आया तुम्हें? तुम इसे प्लीज छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं मामा? कैसे छोड़ दूं इस शख्स को जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया? हे राम,
ये तुम्हें कन्वर्ट कर देगा, छोड़ के चला जाएगा, बताएगा भी नहीं तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, वेट। सी दिस, ये क्या है? व्हाट इज दिस? पागल हो गई हो? बहुत जरूरी हो गया था मॉम, वरना आप तो मुझे राहुल के सामने बेच देती ना। माइंड योर वर्ड्स। हाँ, मैं उस इंसान के साथ हूँ जो मुझसे इश्क करता है, कम से कम मुझे बेचेगा नहीं। क्या बोल रहे हो? Have you gone crazy? मुझे राहुल ने सब बता दिया है कि आपने क्या ऑफर किया था उसे। मैं तो यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आई थी। क्यों किया? क्यों किया तुमने ये मेरी बच्ची के साथ? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका मोहब्बत पर एतमाद बहाल हो जाए। प्लीज मत लो मेरे सामने वो लफ्ज। हाँ, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, कैसे बचाऊं मैं अपनी बच्ची को? पायल कहीं नहीं जा रही, आप परेशान ना हो, पायल आपके पास ही है। ये खौफ आपको हरगिज नहीं होना चाहिए। मोहब्बत को ना सही, मुझे तो एक मौका देके देखें। मैं तो खुद दूसरों के सहारों का मोहताज हूं, किसी को छोड़ के क्या भागूंगा मैं। अली, मैंने कितनी दफा कहा है कि खुद को माजूर मत समझा करो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और मॉम, मैं यहाँ हमदर्दी नहीं, मोहब्बत लेने आई थी। जानती हूँ आप अली से कितना नफरत करती हैं, उसी चीज ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके सारे खौफ दूर कर दूंगी मैं। क्या हुआ? पता नहीं अच्छी खबर है या बुरी, तुम्हें बताना जरूरी है। हुआ क्या? अली ने शादी कर लिया। What? ये बात आपको कब पता चली? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। अभी बात हुई है मेरी, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए घर में। क्यों भाई, फाइनली भाई की शादी हो गई, उन्हें अपनी मोहब्बत मिल गई। पता नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। अली कह रहा था किसी को बताना मत, और मैंने जब पूछा कि पायल मुसलमान हुई है तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गया। आई थिंक तुम्हारा अब वहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो गया। हाँ, मैं भाई से बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम फ़ोन नहीं करोगी उसको? थोड़ा सा तो भरम रख लो मेरा, और बल्कि हम आपस में भी बात नहीं करेंगे इस बारे में। आंटी को पता चल गया तो खासतौर पे ये कि पायल मुसलमान नहीं हुई तो तुम जानती हो वो क्या करेंगे। खैर, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे वीजे का कुछ करता हूँ। हेलो, आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, कोई जरूरी काम ही होगा। तुम सुनोगे ना तो तुम हैरान हो जाओगे। कोई ऐसी हैरत तो नहीं है जो डरा दे? ऐसा कुछ नहीं है। यू वोंट बिलीव अली, मामा हमारी शादी का रिसेप्शन दे रही हैं। क्या? हाँ, उन्होंने हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इतना जल्दी कैसे मान गई वो? अली, हमारी शादी तो हो चुकी है,
एंड शी नोज दैट कि वो अब कुछ नहीं कर सकती. आफ्टर ऑल शी इज माई मदर. एटलीस्ट एक फैमिली तो इकट्ठी हो रही है. क्यों तुम खुश नहीं हो? हाँ वो रिसेप्शन हो कहाँ रहा है? तुम ये बातें छोड़ो, तुम्हें बस तैयार होना है और लोगों के बीच में घूमना फिरना. खाना खाया है? नहीं तो मैं बना दूं. खा लिया है और तुम्हारे लिए भी बना के फ्रिज में रखा है. खुद बनाया है? हाँ तो क्या, मैं नहीं बना सकता, हाथों से माजूर तो नहीं हुआ. अली अच्छा अच्छा नहीं कहूंगा आइंदा. तुम ऐसा करो जाओ और खा के बताओ कि कैसा है. ओके ठीक है. यहाँ क्यों आए हैं? अली ये मंदिर है, हमारी शादी होगी यहाँ पे. क्या? हाँ हमें ये करना पड़ेगा वरना मामा ही इस शादी को नहीं मानेगी. तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम ये बताती तो तुम मना कर देते. जितना तुमने किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत और कर लो. फिर भी तैयार करने में लगी हुई थी. पार्लर जा रही हूँ, बस गई और आई. अब जाओगी? हाँ बस गई और आई. आप तब तक अली का ख्याल रखें, इनसे बातें कर. क्यों नहीं गो गो गो. अली ये पारो आंटी है मामा की बेस्ट फ्रेंड, तब तक आप इनसे बातें करो, मैं आती हूँ. वो मुझे डॉक्टर ने खुली फिजा में रहने के लिए कहा. आई एम कंफर्टेबल है. पायल आ जाए. कोई बात नहीं, राधा को आने दो, फिर अंदर चलते हैं. ओके डाउट है ना उसकी इंटेंशन का, तो मैं तुम्हें डेफ डम एंड ब्लाइंड समझूंगी. हां वो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, अपने मजहब से मोहब्बत करता है. कांट यू सी इट यू मैड गर्ल. मैं तुम्हारे सामने एक लिविंग एग्जांपल हूं. फॉर गॉड सेक्स, भगवान के वास्ते इसको फारिग करो यहां से. सेंड हिम अवे. ये आ गए आपके हीरो. पायल
मोहब्बत को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, मोहब्बत तो खुद एक सबूत होती है। इससे शादी करना चाहती हो? बॉलीवुड की लाइनें मार रहा है तुम्हें। आपको क्या लगता है मैं वहां से क्यों गया? मैंने खुदा किसी कागज पे नहीं लिखा हुआ जो फट जाएगा या मिट जाएगा, मेरे दिल पे लिखा हुआ है। और अगर आपकी तसल्ली मेरे वहां जाने से होगी तो मैं वहां भी चला जाऊंगा, और उस वक्त तक वहां रहूंगा जब तक आप नहीं आएंगी। पायल, ये इम्तिहान भी लेकर देख लो, कामयाब रहूंगा। Where are you going? Huh? Paro? Dekho. Paro, look. मैं घबरा गया था पायल, डर गया था। सब कुछ ऐसे अचानक हुआ, तुम्हारी मामा का मान जाना, फिर वो मंदिर। मुझे लगा जैसे मुझे कोई ट्रैप कर रहा है तुमसे दूर करने के लिए। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता पायल। हेलो, क्या पायल? पायल, पायल क्या हुआ? कुछ पायल क्या हुआ, कुछ बताओ। तुसे कहां जा रही हो पायल? रुको पायल, मेरी बात तो सुनो। अली, पायल तुम यहां क्या कर रहे हो? मतलब आई मीन व्हाई डिडंट यू नॉक द डोर? रात को मैं तुम्हें ढूंढता रहा, तुम फोन भी नहीं उठा रही थी, फिर यहाँ आया तो तुम्हारी गाड़ी नजर आ गई मुझे। तुम क्या रात भर से यहाँ हो? इतनी माजूरी का एहसास मुझे कल से ज्यादा पहले कभी नहीं हुआ। अगर मैं माजूर ना होता तो तुम्हें कभी जाने भी ना देता पाया। मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, I had to come. क्या हुआ उन्हें? डॉक्टर जो भी कहें, लेकिन मैं उनका मर्ज जानती। लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? जानकर क्या करोगे? जानता हूं उनका मर्ज तुम नहीं, मैं हूं पायल। तुम मुझे उनके पास लेके जाओ, मैं उनसे माफी मांगता हूं। मैंने कहा ना तुम नहीं मिल सकते। मैं चाहती हूं कि मेरी मॉम जिंदा रहे। मैं तुम्हारी तरह अपनी मॉम को मरते हुए नहीं देख सकती। कोई एक घर तो बचा रहे टूटने से अली, तुम क्या चाहते हो? इधर उधर हर तरफ सब कुछ खत्म हो जाए। क्यों पायल? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं गिल्टी फील कर रही हूँ शादी करके। नहीं नहीं पायल, ऐसा मत सोचो, मैं वही अली हूँ। सबके साथ दिलासे और तसल्लियाँ रह जाती हैं, मोहब्बत नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो पायल? क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी माँ की तरह उनको मरते हुए नहीं छोड़ सकती। शादी का फैसला मेरा था अगेंस्ट हर विल, लेकिन उनको छोड़ने का फैसला मैंने कभी नहीं किया, इसीलिए वो रिसेप्शन अरेंज की थी। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, चला जाऊंगा। तुम अपनी मामा के पास जाओ, मैं इतना जरूरी नहीं। खूबसूरत बात है, तुम्हें पाकर भी तुम्हारे इंतजार में रहूंगा। मैं
भी आ जाना पाया। थोड़ी याद कर लेती तो क्या बुरा था। अब क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। कुछ भी प्लान करने का वक्त नहीं रहा। मतलब ये कि जब से आंटी को अली की शादी का पता चला सब कुछ और ज्यादा मुश्किल हो गया। मैं कैसे जा सकूं? मैं भी यही सोच रहा था, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम भी गई हो तो खुदा ना खासा खुद को कुछ ना कर लें। अब तो अली के लिए भी वसीयत सुना दी है उन्होंने, तुम चली गई तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। मैं क्या करती? भाई रो रहे थे। क्यों? अब फोन करे पूछे। फोन वोन करने से कुछ नहीं होगा, अब जाना पड़ेगा तुम्हें। मैं अम्मी को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? क्यों अकेला नहीं छोड़ सकती यार, मैं हूं ना। मैं जानती हूँ अम्मी को, वो सोच सोच के अपनी हालत खराब करेंगी। मेरे ख्याल में तुम अपनी अम्मी से जितना दूर रहो उतना बेहतर है। उसका क्या मतलब? देखो वो समझती है कि तुम अली की साइड ले रही हो, तुम्हारा अब झुकाव उसकी तरफ है। तो और कौन है मेरा? वो बात ठीक है यार, तुम गलत नहीं कर रही, मगर जब से पायल के हिंदू होने का पता चला तुम जानती हो आंटी क्या सोच रही है। जो अम्मी सोच रही है वो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तुम मानो या ना मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच यह है कि पायल मुसलमान नहीं हुई। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप गवाह थे निकाह के। अगर वो मुसलमान नहीं हुई तो मेरे करीब ये निकाह भी नहीं हुआ। प्लीज इरफान, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करें। मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ चीजों को? निकाह मैं? I know, लेकिन अब क्या करना है? फीसे की कॉल आई आपको? नहीं है, लेकिन आ जाएगी। चल मम्मी को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती यार, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा, आगे अल्लाह को जो मंजूर। तुम बस जाओ। इरफान अगर मेरी जगह आप चले जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे जाने से कोई फायदा नहीं होगा नेता, दोस्त है मेरा, मेरी हर बात को टाल सकता है लेकिन तुम्हारी नहीं। और वैसे भी तुम उसको मिलने नहीं जा रही, उसको लेने जा रही। पता नहीं अम्मी ये खबर कैसे लेंगी। अब और क्या होगा आंटी के साथ इस घर में, जो हो रहा है। खैर छोड़ो, तुम अपना रिएक्शन मत शो करना। और हर दो घंटे बाद बीपी चेक करते रहना, ओके? मैं चलता हूँ। कहानी
उसके सिग्नेचर्स ले लूंगा, देन वी विल प्रोसीड विद द डिवोर्स पेपर्स एंड एवरीथिंग. How's work these days? Work these days going fine, you know. Cases most of the time, sometimes civil cases, kabhi kabhi criminal cases. वो आ गई पायल. Oh hi, how are you? Hi Uncle Ramesh, I'm good. How are you? Good, good, doing fine. So shall we just proceed with all the procedures and the papers for the divorce? Ramesh Uncle, मुझे तलाक नहीं चाहिए. Yeah. मतलब तुम अली के साथ रहना चाहती हो? Of course, इंसान शादी किस लिए करता है? लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मुझे कुछ और ही स्टोरी सुनाई है. She's not in her senses, ना रमेश. No, no, just hold on, राधा. I mean, I just want to know what is the issue, what's the problem actually. मुझे डाइवोर्स नहीं फाइल करनी. That's it. But your mom fears that he may just get you converted and just leave you like this. I can't help her fears. मुझे अली ने कभी भी फोर्स नहीं किया कन्वर्ट होने पे, ना कभी वो करेगा. तो फिर तुम उससे अलग क्यों रह रही हो? That's my personal issue. Yeah, personal issues. I mean, that's fine. I understand. I mean, I respect that. So, I think Radha, I mean, she needs more time and some more space to think about this divorce matter. Okay, I mean, तलाक के फैसले यूं इस कदर आसानी से नहीं लिए जाते. तो फिर इजाजत दे. आई मीन यू नो हाउ इट शुड बी. आई शुड टेक योर लीव. थैंक यू. ओके, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. यू आर वेलकम बेटा. थैंक यू रमेश. एनी टाइम, एनी टाइम. व्हाट आर यू डूइंग? यू वांट टू लिव विद दैट घटिया आदमी क्या? मॉम, क्या हो गया आपको? क्या हो गया मुझे? बीमार हो गई हूँ, स्ट्रेस हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, सब कुछ हो गया. यू वांट टू किल मी, यू जस्ट किल मी वंस. मुझे एक ही दफा मार दो ना. ये क्यों तुम कर रही हो सारा ये? किल मी, किल मी, मॉम, किल मी, मॉम, मॉम, किल मी, मॉम, मॉम. पायल, तुम इस तरह रहोगी तो मामा की तबीयत तुम्हें देख के और खराब हो जाएगी ना. प्लीज डोंट डू इट. तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? क्या करने आए हो यहाँ पे? देखो, मेरी माँ को तुमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया. देखो, अपनी माँ को तो मार ही दिया, मेरी माँ के साथ भी वही करोगे? पायल, don't do it. Hospital है. Don't. नहीं राहुल, तुम्हें बताया किसने? किसने बताया मेरी मामा का? कैसे पहुंची हो यहाँ पे? इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि आंटी अब कैसी हैं? Oh, shut up! Just get lost from here. तुम ऐसे नहीं जाने वाली. पायल, पायल.
पायल, पायल तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मैं जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ, मैं कितनी दफा मना किया है, मत आया करो मेरे पीछे। पायल तुम सब, पायल दिन गिन गिन के पाला था मैंने इनको, मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी औलाद थी, मुझे ये आशा करते कि पहली बार मरने से डर रही हूँ। सोचती हूँ पर वाले को क्या मुंह दिखाऊं। आंटी आपने अली की वजह से निदा की तरफ देखना भी छोड़ दिया। पायल का सिर्फ एक ऐसे में साया था, कह रही थी कि भाई ठीक है लेकिन उसके अलावा कुछ। चलो तुम टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वीजा लगवाने जा रहे हैं ना? बस दुआ करें वीजा लग जाए बगैर इंटरव्यू के। लग जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो तुम कॉन्फिडेंट रहना, घबराना मत। ओके वी हैव वेरीफाइड योर इंफॉर्मेशन, योर ब्रदर इज नो मोर देयर इन द हॉस्पिटल। Yes, he got discharged. So, your whole family is going there? No, it's just me. I'm going to get my brother back. My mother and my husband's here. I'm sorry for that. But he has married there and applied for nationality. Now you are going? Sir, believe me, I'm just going to bring my brother back. My mother is ill and my husband's here. We hear these kind of stories every day. I'm sorry. Your visa is rejected. Are you okay? I'm just worried about my brother. How long will it take you to bring him back? I don't know, a week, maybe 10 days. Take a month. Your visa is granted. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.
हेलो पायल, मैं निधा। निधा, ये तो लोकल नंबर है। हाँ, मैं यहीं हूँ। क्या मतलब तुम यहाँ हो मॉरिशस में? तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ भाई। Wait a minute, are you serious? पायल भाई कहाँ? निधा, मैं मॉम के साथ हूँ और हम हॉस्पिटल में हैं। देखो, मुझे सिर्फ भाई का एड्रेस चाहिए। अंदाज़ा तो है कि तुम उन्हें अकेला छोड़ चुकी हो। ओके, मैं टेक्स्ट कर रही हूँ। अच्छा हुआ तुमने फ़ोन उठा लिया, वरना मैं हॉस्पिटल पहुँच जाती। खामखा तुम्हारी अम्मी की तबीयत और ख़राब हो जाती मुझे देख कर। निधा, तुम्हें यहाँ की रियलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम कोई जजमेंट पास ना करो। मुझे सिर्फ अली भाई का एड्रेस भेज दो, वो तुमसे आखिरी फेवर। ओके, बाय। कैन यू टेक मी हियर? या ओके। या कोशिश की, इरफान ने कोशिश की। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि मेरी छोटी सी बहन की शादी भी हो गई है। हमेशा तुम मुझसे जुर्माने लेती थी ना, मैं तुमसे लूंगा बड़ा सा जुर्माना। किस बात का? मेरी गैर हाजिरी में शादी करने की? नहीं, जुर्माना तो आप पे होगा, बहुत बड़ा, शादी में ना होने का। भाई, इतना सब कुछ क्यों? आपने हमें बताया तक नहीं।
ये शिकायत तो मैं भी तुमसे कर सकता हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो नतीजा था। तो वेट करते रहे कि आपकी तरफ से कोई अच्छी खबर आ जाए, लेकिन हमेशा बैड न्यूज आती थी। क्या पायल की अम्मी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी? अरे भाई, वो बदतमीजी ना करती तो क्या करती। एनीवेज, सब क्यों हो रहा है? मतलब आई डोंट नो, कुछ रिश्ते इंसान खुद नहीं चुनता निता, उस पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता। बेबस हो जाता है इंसान अपने जज्बे के सामने। काश अली भाई, काश ये बेबसी दोनों तरफ होती। आप पायल की मोहब्बत पर शक करने का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो मोहब्बत ना करती तो मुझसे शादी ना करती, और बीमारी में जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा है वो मैं जानता हूं। कुछ लोग मोहब्बत की वजह से, खौफ की वजह से साथ होते। अच्छा, टेल मी समथिंग, आपको छोड़ के क्यों गए इन द फर्स्ट प्लेस? मेरा ख्याल है कि वो अभी भी डरी हुई है। क्यों? तुम्हारे आने की वजह से? सही सी बात है, मेरी आने की वजह से, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ, मैं हिसाब किताब करूंगी और फिर सीधा आपको लेके वापस। ऐसी वैसी कोई बात मत करना जिससे कोई और मसला खड़ा हो। पायल की माँ है, अगर वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती है तो उसमें क्या बुरा है? तो करे, हमने कब रोका है? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी माँ के कदमों में आपको कुर्बान कर दे। जो यहां की नहीं वहां की फिक्र है निता। मम्मी को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उनके ईमान का सौदा नहीं किया? अरे भाई, वो तो आपका नाम तक नहीं सुनना चाहती। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? Hi Nita. Hi Pai. तुमसे मिलके भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ आ गई हो। अंदाजा है मुझे, अपने करीब की चीजें नजर नहीं आती तुम। पायल, तुम्हारी मामा कैसी हैं? ठीक है, अभी 100 ऑब्जर्वेशन है। मैं जानती हूँ निदा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जाहिर है, अली भाई के सिवा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, आना ही था मुझे। ये देखने के लिए कि जिस मोहब्बत में उन्होंने इतना कुछ इन्वेस्ट कर, इतनी कुर्बानी दे दी है, उसने उन्हें किस हालत में रखा। तुम चीजों को अपनी नजर से देखती हो, तुम्हें कुछ पता नहीं यहाँ का। मुझे कुछ नहीं पता। नीता? नहीं नहीं नहीं, मुझे मत रोकी। ये कह रही है मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे बताओ क्या नहीं पता मुझे? हाँ, तुम्हारी मामा ने मोहब्बत को इतना बड़ा जुर्म बना दिया कि मेरे भाई की सजा खत्म ही नहीं हो रही। खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं? प्लीज टेल मी। पहले आपको माजूर कर दिया, फिर हमदर्दी की गई, इन पे की इनसे शादी भी कर ली, फिर फेंक दिया। इसे कहते हैं मोहब्बत अली भाई? हाँ, अच्छा हुआ अली मैं यहाँ आ गई। ये तमाशा मेरी मामा के सामने नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ, ये तमाशा तुम्हारी मामा को क्यों नहीं पता चलना चाहिए? जब ये तमाशा हमारे घर आ रहा था, हमारा घर बर्बाद हो रहा था, तब तुम कहाँ थी? हाँ निता, बस कर दो। क्यों बस कर दूं? एक मिनट, हम अभी भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर रहे।
हम तो सिर्फ अपने नुकसान की फेरिस्त तुम्हें बता रहे हैं और वो तक तुमसे सुनानी चाहिए। नेता तुम्हें अगर नुकसान की बैलेंस शीट ही बनानी है ना, तो तुम किसी और वक्त मेरे साथ बैठ जाना, जब तुम होश में हो। मैं होश में नहीं हूं पायल, मैं होश में आने के बाद ही यहां आई, और तुम्हारी मामा से मिले बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत कुछ पूछना है मैंने उनसे। पायल इसकी बातों को इग्नोर कर दो, ये बहुत ज्यादा ट्रेवल करके आई है, इस वजह से ऐसे बोल रही है। ओह नो 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 नो, प्लीज मेरी बातों को इग्नोर मत करना, आई एम वेरी सीरियस। ठीक है निदा, जो करना है करो, लेकिन चीजों को वहां मत ले जाना जहां से उनकी वापसी ना हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन अभी नहीं। आप जानते हैं ना अम्मी की वसीयत क्या है, क्या कहा उन्होंने इरफान के सामने, और इसके बाद भी तुम चाहती हो कि मैं वहां वापस जाऊं। What do you want? बताएं मुझे, समझाने की कोशिश करें। What do you want? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम वापस चली जाओ, ऐसा ना हो कि अम्मी को पता चल जाए और मेरी तरह तुम्हें भी वो। मैं वापस चली जाऊं, मैं इतनी दूर ये जवाब सुनने के लिए आई हूं कि मैं वापस चली जाऊं? हम दोनों साथ जाएंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। Yes? You must be Ali's sister. Yeah, and you? I'm Payal's friend. Hey buddy, Tom, the last bridge between broken families. Unfortunately, yes. और वो भी किसी वक्त गिर जाएगा। जो कहने आए वो कह दो। Yes, the message. इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, thanks for reminding me. तो मिस्टर अली, तुम्हारे लिए मैसेज ये है, तलाक खुद ही से दे दो। नहीं तो कोर्ट से तो हम खुद ही ले लेंगे। देखिए आप जो भी हैं, ये फैमिली मैटर। और इस किस्म का मैसेज आई थिंक पायल हमें फोन करके खुद भी दे सकती है, लेकिन यकीनन पायल की मामा ने आपको भेजा। वेरी इंटेलिजेंट। देखो मेरा ख्याल है तुम अपना मैसेज दे चुके हो। हाँ तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है, बस मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि शायद तुम तलाक अभी के अभी दे दो। एनीवे सपोर्ट तो तुम्हें मिल ही चुकी, मगर मेरे इस मैसेज को सीरियस लेना, बहुत सीरियस। विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। बाय। हेलो पायल। Am I missing something? Yes, freedom. क्या है ये पेपर? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ आराम से। राहुल पेपर दो। पायल स्टॉप इट। राहुल यू गो। ओके आंटी, टेक केयर पायल।
आई थी ना पाकिस्तान से फिल्मी हीरोइन को मैं वापस ले जाऊं। मनीता जो कर रही है ठीक कर रही है। आप मुझे ये बताएं आप राहुल की हेल्प क्यों ले रही हैं? क्यों? मैंने पहले जो भी डिसीजन लिया है तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि राहुल की इंटेंशंस ठीक नहीं है मेरे लिए, और आप जानती हैं कि उसने क्या किया है। क्या किया? अली को मारा, गुड। तुम्हें बचाने की कोशिश की, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। मामा, मुझे तो सिर्फ अफसोस इस बात का है कि राहुल अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी फैसला लेने से पहले सोच लीजिएगा, कहीं आपको फिर से अफसोस ना हो। अब तो अफसोस करना छोड़ दिया है मैंने, डरना भी छोड़ दिया है। आंटी निदा यहीं पे अभी आपके पास ही, अभी घर गई है। आंटी सब आपके पास है, सब मौजूद है यहाँ पे। डॉक्टर साहब ये अभी बात करनी थी। होश आ गए इनको? देखें बेशक अल्लाह मुर्दों में जान डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने है वो मैं आप सबको क्लियरली बता चुका हूँ। मगर डॉक्टर साहब अभी इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, मुझसे बात की इन्होंने। मैं तो फिर आप उन्हें बुलवा लें। देखें इरफान साहब, हम इनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई मौजदा हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। मौजदे होते भी देखें हमने यहाँ पर। नर्स जी, डॉक्टर मैं आपको एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, वो इन्हें डबल डोज में लगा दें। जी ठीक है। अभी होश में शुक्र है आंटी आपको होश आ गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं मुझसे ये आंटी अभी यही थी, वो थोड़ा थक गई थी, मैंने कहा फ्रेश होके आ जाओ। मैं अभी ले आता हूं उसको, अब मैं अभी ला रहा हूं उसे। आता हूं। What's all right? Thank you so much, officer. पायल तुमने वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, वरना ये तो नहीं छोड़ते। मैं जानती हूँ मॉम को कुछ भी कर सकती हैं, बस अब बहुत स्ट्रांग लॉयर करना पड़ेगा। इरफान का फोन है। आप हेलो इरफान, क्या हुआ? क्या कह रहे हैं आप? कैसे हो सकता है? नहीं, दीदा क्या हुआ? दीदा चली गई।
ऐसा इंतजार कर करके आपका गम ले लेके मर गई हूँ। क्यों किल माय मदर कातिल पायल, क्या हो गया है? Why you ringing the bell? Come in ना? Mom, अली की मदर की डेथ हो गई है। Oh, sorry. लेकिन शायद अब ये सुन के वो वापस चला जाए। मैं इसी वजह से अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि जिस औरत को मैं जानती थी वो अब इस घर में नहीं रहती है। पायल चुप करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, बायोलॉजिकल मदर। सारी जिंदगी आपको अपने खौफ पे आ रहे थे। माएं ऐसी नहीं करती। They don't behave like that. पायल, और एक बात बता दूं, आपने जो कंप्लेंट की थी ना पुलिस में, उस वजह से अली अपनी माँ के जनाजे पे नहीं जा सका। वो जब भी जाएगा पाकिस्तान, मैं उसके साथ जरूर जाऊंगी। निदा, रुको, निदा, रुक जाओ। I'm sorry मेरी जान, I'm sorry। रुक जाओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगी। मेरे लिए सब कुछ रुक गया है वक्त समय। तुम दोनों अपनी जिंदगी में मस्त रहो। अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारी फ्लाइट में और तुम्हारी तो सीट भी चांस पे। कहाँ जाओगी तुम? सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। कुछ बचाना है पायल, सब कुछ खत्म कर देना, ठीक है? सब कुछ निदा कहाँ जाओगी? निदा यहाँ क्यों आयो? मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने कोई बात नहीं करनी तुमसे। हाँ, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं? आखिर दामाद हूँ मैं आपका। Shut up! यही सच है। रिश्ते रूहों के होते हैं, जिस्मों के नहीं, और मेरी रूह पायल से बन चुकी है। बदला लेना चाहती थी ना मुझसे? कैसा बदला लिया आपने? माजूर हो गया हूं मैं। यहां से जाते हो के पुलिस को बुला? बुला ले पुलिस को। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी नफरत कितनी है मेरी माँ की मौत पर? आपकी खुशी जितनी या मेरी मौत जितनी, बताएं मुझे। I don't have to answer any of your question, okay? You have to answer. आप, अगर आप भी हार ना बनती तो आज पहल हम सब साथ होते, सब साथ होते आते। लेकिन आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी माँ को छीन लिया आपने, सब बर्बाद कर दिया। मेरी माँ को छीन लिया आपने, की सब बर्बाद कर दिया। एक पल की है सारी कहानी, लम्हे बन जाते हैं निशानी। कस कस रूह ते झमका मारे,
इश्क ना छपके आँख निमाड़ी खतरे में तूफान इश्क अलिफ की जान निमाए इश्क अलिफ की जान निकले कैसे जान निमाए इश्क अलिफ की जान। मोहब्बत बड़ी जालिम होती है पायल, कुछ नजर नहीं आता है इसके आगे, बेरहम होती है, किसी को नहीं पहचानती, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं इसके सामने। क्या मिला तुम्हें मुझसे मोहब्बत करके? सब कुछ तो मैंने तुम्हारा छीन लिया, इससे बड़ा इम्तिहान और क्या होगा अली, कि लास्ट टाइम हम अपनी माँ को भी नहीं देख सके। मैं अपनी अम्मी को मरा हुआ देख नहीं सकता पायल, मेरे लिए अम्मी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगी। This is the man. Officer, arrest him. Mama, what are you doing? What's this? Thank God, तुम ठीक हो पायल। What the hell is this, Mama? See how scared she is. He's blackmailing her. No, police officer, he didn't do anything. She's lying. He's my husband. चुप कर जाओ। What are you doing, पायल? Officer, arrest him. You are under arrest. Officer, take him. What are you doing? Leave me. Mama! Keep quiet! Stop it! Mama! Leave me! No! Mama! Let me leave! Mama! छोड़ के आया है मेरी अम्मी को अकेले, छोड़ दिया आपने मेरी अम्मी को। सबर करो निदाम, सबको जाना है एक दिन। जाना है तो मुझे भी अम्मी के पास छोड़ के। बेटी बस सबर करो, उनके लिए दुआ करो, सबर करो, सबर करो बेटी। आ गई अम्मी, अम्मी मुझे छोड़ के क्यों चली? मैं क्यों जाऊंगी? तुम क्या जाओगी? सबर करो निदाम। मैं बेटा सबर करो, अल्लाह ताला तुम्हें जो ना सबर दे और उनको जन्नत तो फिर दोनों जगह था फरमा। बस बेटा दुआ करो उनके लिए। क्या करे बेचारी, एक भाई तो वो भी नहीं आ सका। मत ले उसका नाम, कोई भाई नहीं है मेरा, कोई भाई नहीं है। नेता प्लीज संभालो खुद को, तमाशा नहीं बना लोगों के सामने। तो दुनिया भी उस शख्स का नाम ना ले जिसे मैं भाई कह देती थी। मत ले। तो मत लो नाम, मत लो। यही वसीयत थी ना तुम्हारी मां की, मत लो नाम, लेकिन इस तरह तमाशा नहीं बना लोगों के सामने। तेरे लिए तो उठी। सबर करने का वक्त है मित्र, ली तुम्हारे लिए और मेरे लिए मर चुका। मैं आंटी की वसीयत पूरी करूंगा जैसे उन्होंने कहा था। खुदा ने कर दी अम्मी की वसीयत पूरी, देख सके वो उनका चेहरा। अली मुझे माफ कर देना प्लीज।
मोहब्बत अब शुरू ही है पायल। साथ रह के तो हमने सिर्फ वक्त गुजारा है। मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पायल, मोहब्बत से बड़ा इख्तियार खुदा ने बनाया ही नहीं, उसको बेबस मत समझो। मैं कब देखूंगी, मैं कब देख सकूंगी मैं तुम्हें अब? अल्लाह इरफान, तुम यहाँ? इरफान, अब क्या करें? इरफान, हाथ से क्या? इरफान, आप बीच में नहीं बोलेंगे सर, आज आप नहीं बोलेंगे। इसकी माँ ने वसीयत की थी कि कब्र पर मत आने देना इसको, पूरी करके रहूंगा सर, आपको बता रहा हूं मैं। इरफान होश करो। होश में हूं सर, मैं होश में हूं। ले जाए इसको वरना तुझे से मुश्किल को तो मार देना भी जवाब है। मार दे यार, मार दे। अली को पुलिस ने डिपोर्ट कर दिया है। सो आई वांट माय पासपोर्ट। व्हाट पासपोर्ट? कौन सा पासपोर्ट? जो आपने रखा है अपने पास। I want it back. Otherwise? मेरा पासपोर्ट दे दे। मैंने आपसे कहा था ना अली अकेला नहीं जाएगा, मैं उसके साथ जाऊंगी। जाएगा तो वो अकेला यहाँ से। I want my passport! Shut up! Get out! हेलो भाई, तो मामा का कोई नया पैगाम लाया हो या कोई और चाल चलनी है मेरे साथ? उनका फोन तो आया था मेरे पास, मगर मैं यहाँ अपनी मर्जी से। प्लानिंग तो है, मगर इस बार कुछ और। कैन यू लीव मी अलोन? यही तो करना, तुम्हें अकेला करना। प्लीज पायल, बैठो। देखो, मैं जानता हूँ अली के साथ जो कुछ भी हुआ दैट वाज इन हिम, उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी मेरी। मुझे तुम्हें मालूम है, की सबसे अच्छी बात यह है कि वो गुजर जाता है तब भी बढ़ जाता है। अपनी गलतियाँ कभी भी सुधार सकते। इन बातों का अब क्या मकसद राहुल? मकसद है तुम चली जाओ अली के पास। हाँ,
चली जाओ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ के आता हूँ, जाओ। I can't go, Rahul. My mom has my passport. अभी तो मैं बोलूँ कि तुम उसके साथ चली क्यों नहीं गई? Can't do this anymore. आज तक आप मुझे यूज करते और मैं होता रहा, बट नाउ यू हैव टू पे। क्या मतलब है तुम्हारा? जो सुन रही है वही मतलब है मेरा। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूँ, धमकी बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर पायल चाहती तो मैं इस वक्त जेल में होता, लेकिन नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया और आपने मुझे उसके खिलाफ यूज किया ये कहकर कि मैं अपनी मोहब्बत को हासिल कर अपने लिए नहीं आपके लिए। आई एडमिट कि मैं उससे प्यार करता हूं और आपने फिर भी मेरा इस्तेमाल किया मुझे इस मोहब्बत का लालच देकर जिसको आपने नफरत में बदल दिया है ना। मैंने जो किया ना पायल की बेहतरी के लिए किया। यार राइट, पायल की बेहतरी के लिए किया आपने सब कुछ, उसको मारने के लिए किया, उसको उसके प्यार से दूर रखा। और याद रखिएगा मुझे SMS आपने मुझे भेजा था ना कि अली को मार दो, अभी तक सेव है मेरे पास। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? यस, मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। हमला तो तुमने किया था ना उस पे? अब मुझे परवाह नहीं है। 3 दिन बाद पायल का बर्थडे और मैं उसको वो गिफ्ट देने चाह रहा हूँ जो आपके पास है। गेट रेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ पा, जल्दी आ गए? हाँ, वो तुम्हारे घर के पड़ोस से फोन आया था कि ताला खुला हुआ है घर का, फौरन गया वहाँ ताला लगाया, शुक्र चोरी नहीं हुई। मगर मुझे तो अच्छी तरह याद है मैं खुद ताला लगा के आया था। आपको उस घर की फिक्र क्यों है? हमारा घर तो ये है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि आप उस घर को भूल जाएं। आपने अपने तमाम फराइज पूरे कर लिए, अम्मी की वसीयत तक पूरी कर ली, सब कर लिया, तो अब क्यों? तो तुमने ताला अली के लिए? मैंने आपका घर तो नापाक नहीं किया। देखो निदा, तुम बीवी हो मेरी, मगर मेरे नजदीक वो एक मुशरिक है। आप होते कौन है ये फैसला करने वाले? हाँ, कुछ नहीं पता आपको, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बदला उन्होंने अपने, ना अपना दीन, ना अपना मजहब और ना ही अपना अकीदा। सिर्फ मोहब्बत करने पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन पर। हम सबसे बेहतर मुसलमान तो वो है, एटलीस्ट अपने दिल में किसी के लिए नफरत तो नहीं रखते। हर किसी ने अपनी कब्र में जाना नहीं था। मैं जानता हूं वो तुम्हारा भाई है, मगर मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। Happy birthday, baby. तुम खुश नहीं हो क्या? खुश हूँ मामा, बर्थडे भी तो सब दिनों जैसा एक दिन है। शायद ये गिफ्ट जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है इससे ज्यादा खुश होगी तुम। हाँ खोलो। Thank you.
पासपोर्ट। थैंक यू सो मच मामा। थैंक यू। राहुल। हेलो पायल। हाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, सरप्राइज। इसकी जरूरत नहीं है राहुल। अगर लड़की खोल के तो देखो उसको। ठीक है। थैंक यू सो मच। कल फ्लाइट है तुम्हारी 4 बजे। थैंक यू राहुल। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। मैंने तो सिर्फ सरसरम को बताया था। पायल तुम आ गई हो ना, अली मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्या मतलब मिल जाएगा? कहाँ है अली? पायल भाई कुछ दिनों से गायब है, पता नहीं कहाँ है। क्या शहर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ मैंने भाई को ना ढूंढा? मगर आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? इधर यहाँ कोई मजार है? हाँ एक मजार है। क्यों? आप लोग प्लीज मुझे वहां ले जाओ। लेकिन मजार पे क्यों जाए? इधर तुम्हें याद है मैं तुम्हारे घर से एक दफा चली गई थी, अली ने मुझे बहुत ढूंढा था तो उसने मुझे बताया था कि उसने उस मजार पे जाके मन्नत मानी थी कि मैं मिल जाऊं। ये भी कहा था कि अगर कभी वो गुम जाए तो मैं उसको वहां जाके देखूं। प्लीज आप लोग वहां चले प्लीज। सब आगे मजार है, मुझे पता है हाईवे की तरफ। चलो पायल तुम्हारी ये जिद पूरी चले। एक पल की है सारी कहानी, लम्हे बन जाते हैं निशानी। कस कस रूह ते छमका मारे, इश्क ना छपके आँख निमाणी। अतरे में तूफान इश्क अलिफ की जान निमाए, इश्क अलिफ की जान निकले कैसे जान निमाए, इश्क अलिफ की जान।
एक पल की है सारी कहानी, लम्हे बन जाते हैं निशानी, कस कस रूहते झमका मारे, इश्क ना झपके आँख निमाणी, खतरे में तूफान, इश्क अल्फ की जान निमाए, इश्क अल्फ की जान निकले कैसे जान निमाए, इश्क अल्फ की जान। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। करके भर दे इश्क के सारे खेल निराले, मुठियां भर भर दर्द वंडावे, सात समंदर आंख रुलावे, इश्क है रब रहमान